हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल पीटी टेक मैथ। तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सीएसआईआर नेट जून 2015। ओके, दिसंबर 2015 तक का अपना कंप्लीट हो चुका है। तो आज के इस लेक्चर में हमें डिस्कस करना है जून 2015। लीनियर अलजेब्रा का कंप्लीट सॉल्यूशन अपना इस वीडियो में होगा। तो टोटल क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कितने आए थे। टोटल क्वेश्चन यहाँ पे 16 थे लीनियर अलजेब्रा के, जिसमें से 7 क्वेश्चन आपके पार्ट बी के थे एंड 9 क्वेश्चन आपके पार्ट सी में से थे। ओके, तो अगर आपने मेरी दिसंबर 2015 तक की वीडियो नहीं देखी है तो ये मेरी प्लेलिस्ट है, इसमें जाकर के आप चेक कर लेना, आपको सभी वीडियोज़ मिल जाएंगी। ठीक है, साथ के साथ हम टॉपिक्स भी कवर करते जा रहे हैं लीनियर अलजेब्रा के, तो वो भी आप देख लेना मेरे चैनल पे जा कर के, आपको वहाँ पे सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी। ठीक है, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसको आप ज्वाइन कर लेना। यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका पार्ट बी का। द रो स्पेस ऑफ ए 20x50 मैट्रिक्स ए हैज़ डायमेंशन 13। ओके, यहाँ पे देखिए जो डायमेंशन ऑफ रो स्पेस है कितनी है 13। व्हाट इज़ द डायमेंशन ऑफ स्पेस ऑफ सॉल्यूशन ऑफ ए एक्स इज इक्वल टू 0। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, अच्छे से जो क्वेश्चन है उसके स्टेटमेंट को रीड कीजिए और फिर वहाँ पे हमें क्या गिवन है उसको अच्छे से राइट कीजिए और फिर उससे हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, उससे रिलेटेड क्या रिजल्ट हमें पता है कि जो अपने आंसर्स में काम आए, तो उनको आप राइट कीजिए एक बार। ठीक है, सबसे पहले अब यहाँ पे देखिए क्या है, एक मैट्रिक्स हमें गिवन है और आपको पता है कि हम एक मैट्रिक्स से एक ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए आपकी जो मैट्रिक्स है क्या है 20x50। ओके, और आपको पता है कि जब भी हम ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे बनाते हैं मैट्रिक्स से, तो क्या होती है डायमेंशन ऑफ डोमेन स्पेस क्या होगी, नंबर ऑफ रोज जितनी हैं आपकी वो आपकी क्या होंगी, डायमेंशन ऑफ डोमेन स्पेस। ओके, तो नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं यहाँ पे 50 एंड डायमेंशन ऑफ को डोमेन स्पेस आपकी क्या होगी, जितने नंबर ऑफ रोज है, तो नंबर ऑफ रोज यहाँ पे कितने हैं 20, तो यहाँ पे डायमेंशन ऑफ को डोमेन स्पेस क्या होगी 20। ओके, ये आपकी क्या है ट्रांसफॉर्मेशन है। ठीक है, तो अगर आपके पास कोई भी एक मैट्रिक्स है तो उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में। ठीक है, ये आपके पास क्या है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब यहाँ पे देखिए उसके बाद क्या गिवन है, रो स्पेस ऑफ ए 20x50 मैट्रिक्स हैज़ डायमेंशन 13। डायमेंशन ऑफ रो स्पेस हमें क्या गिवन है 13, दिस मीन्स रैंक ऑफ ए क्या गिवन है हमें, रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 13। ठीक है, अब उसके बाद देखिए आपके पास क्या है, रैंक अपने पास है एंड डायमेंशन आपके पास यहाँ पे देखिए क्या है, डायमेंशन ऑफ डोमेन स्पेस 50। ठीक है, तो रैंक नलिटी थ्योरम जब हम यहाँ पे लगाएंगे क्या होती है रैंक नलिटी थ्योरम, व्हाट इज़ रैंक नलिटी थ्योरम, मैं यहाँ पे रैंक नलिटी थ्योरम लिखती हूँ कि स्टेटमेंट क्या है, यहाँ पे देखिए रैंक नलिटी थ्योरम। ठीक है, इफ ए इज ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम क्रॉस एन, देन रैंक ऑफ ए प्लस नलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, ये आपकी रैंक नलिटी थ्योरम है। अब यहाँ पे देखिए आपके पास रैंक गिवन है, नंबर ऑफ कॉलम्स आपके पास कितने हैं 50, तो यहाँ पे रैंक नलिटी थ्योरम जब आप अप्लाई करोगे तो क्या आएगा, रैंक ऑफ ए प्लस नलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम क्या है 50 एंड रैंक ऑफ ए इज 13 प्लस नलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 50, देन नलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 50 माइनस 13 कितना आएगा, 50 माइनस 13 इज 37, तो आपके पास नलिटी आ गई। अब नलिटी क्या है, नलिटी क्या है, अगर मैं नलिटी की डेफिनेशन यहाँ पे देखूँ तो क्या होती है नलिटी, डायमेंशन ऑफ नल स्पेस या फिर डायमेंशन ऑफ कर्नल ऑफ
ए। अब नल स्पेस की डेफिनेशन क्या है? नल स्पेस इज, नल स्पेस ऑफ टी इज इक्वल टू फोर ऑल एक्स इन वी सच दैट टी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो। ओके, अब यहाँ पे अपनी मैट्रिक्स है तो यहाँ पे क्या आएगा, फोर ऑल एक्स इन ए सच दैट ए एक्स इज इक्वल टू जीरो। आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन यही है यहाँ पे, ठीक है, सॉरी यहाँ पे ये क्या है एक्स इन वी, वी आपका यहाँ पे क्या है एफ फिफ्टी है, ठीक है, वेक्टर स्पेस आप देख लेना यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए हमें क्या फाइंड आउट करना है, द डायमेंशन ऑफ द स्पेस ऑफ सॉल्यूशन स्पेस। एक टाइप से ये क्या है कर्नल ऑफ ए, क्या है ये कर्नल ऑफ ए, ओके ठीक है, कर्नल ऑफ ए। अगर मैं यहाँ पे डेफिनेशन की बात करूँ तो क्या है ये फोर ऑल एक्स इन वी सच दैट ए एक्स इज इक्वल टू जीरो, यानी कि डायमेंशन ऑफ कर्नल ऑफ ए यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है। ओके, तो यहाँ पे देखिए डायमेंशन ऑफ कर्नल ऑफ ए यानी कि डायमेंशन ऑफ नल स्पेस ऑफ ए क्या गिवन है हमें, डायमेंशन ऑफ नल स्पेस ऑफ ए को क्या बोलते हो आप, नलिटी ऑफ ए, और नलिटी ऑफ ए क्या है आपके पास 37। तो यही आपके पास क्या है डायमेंशन ऑफ नल स्पेस ऑफ ए इज इक्वल टू 37। तो क्या आएगा इसका, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लेट वी बी द स्पेस ऑफ ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शंस ऑन आर सेटिस्फाइंग। आपके पास क्या है जो वी वेक्टर स्पेस है किस टाइप से गिवन है, देखिए वी इज कलेक्शन ऑफ ऑल फंक्शंस, वी इज द कलेक्शन ऑफ ऑल फंक्शंस सच दैट एफ डबल डैश माइनस टू एफ डैश प्लस एफ इज इक्वल टू जीरो। ओके, ये आपके पास वेक्टर स्पेस गिवन है, डिफाइन टी, टी किस टाइप से डिफाइन है, डिफाइन टी वी टू आर बाय टी ऑफ एफ इज इक्वल टू एफ डैश जीरो एंड एफ जीरो देन एफ। तो हमें यहाँ पे क्या बताना है कि एफ क्या होगा, एफ वन वन होगा, ओन टू होगा, या फिर ओनली वन वन होगा, या फिर ओनली ओन टू होगा, ठीक है, ये हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो कैसे करोगे, अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, वी नो दैट एफ डबल डैश माइनस टू एफ डैश प्लस एफ इज इक्वल टू जीरो, ये किस टाइप की इक्वेशन है, दिस इज ए होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर टू। क्या है ये, होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर टू। हमें एफ का यहाँ पे डिस्कस करना कि एफ वन वन है या ऑन टू है, तो इसीलिए हम यहाँ पे एफ को ही सिंप्लीफाई करेंगे, एफ के ऊपर ही हम वर्क करेंगे कि एफ क्या है। ओके, तो यहाँ पे देखिए जो ये इक्वेशन है क्या है, होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर टू, एंड वी नो दैट डायमेंशन ऑफ वी इज इक्वल टू टू, एग्जैक्टली टू होगी। ओके, देन सॉल्यूशन ऑफ एफ डबल डैश माइनस टू एफ डैश प्लस एफ इज इक्वल टू जीरो, क्या होगा सॉल्यूशन, सबसे पहले इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखिए, ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगी, ऑक्सिलरी इक्वेशन इज एम स्क्वेयर माइनस टू एम प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। ऑक्सिलरी इक्वेशन आपको फाइंड आउट करनी आती होगी, ये सबको आती है। ओके, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन भी देख लेना वहाँ पे कि ऑक्सिलरी इक्वेशन हम कैसे लिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ से इसके रूट्स फाइंड आउट कीजिए, रूट्स क्या बनेंगे यहाँ पे, ये देखिए होल स्क्वेयर ऑफ एम माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से आपके रूट्स क्या आए, एम इज इक्वल टू वन वन, इक्वल एंड रिपीटेड रूट्स हैं। तो सॉल्यूशन क्या होगा यहाँ पे, एफ इज इक्वल टू सी वन प्लस सी टू एक्स ई रेज टू द पावर एक्स, ये आपका सॉल्यूशन होगा। देन हमें फाइंड आउट यहाँ पे क्या करना है, देखिए टी ऑफ एफ इज इक्वल टू एफ डैश जीरो एफ ऑफ जीरो, ये हमें गिवन है। तो यहाँ पे देखिए क्या गिवन है हमें, टी ऑफ एफ इज इक्वल टू एफ डैश जीरो एंड एफ जीरो। तो यहाँ से एफ डैश निकालिए, एफ डैश क्या आएगा, क्या होगा एफ डैश सी वन प्लस सी टू, सी वन प्लस सी टू एक्स इंटू ई रेज टू द पावर एक्स प्लस
अब यहाँ पे e रेज टू द पावर x एज इट इज और x का क्या होगा 1, तो यहाँ से e रेज टू द पावर x कॉमन निकालिए, e रेज टू द पावर x इंटू सी वन प्लस सी टू एक्स प्लस 1, हमें क्या फाइंड आउट करना है f डैश जीरो, क्या आएगा f डैश जीरो, f डैश जीरो होगा यहाँ से सी वन प्लस सी टू, एंड f ऑफ जीरो क्या होगा, f ऑफ जीरो इज इक्वल टू सी वन, ठीक है, देन t ऑफ f इज इक्वल टू सी वन प्लस सी टू एंड f जीरो इज सी वन, ये आपके पास t ऑफ f है, ठीक है, एंड कर्नल ऑफ t क्या होगा, बाई डेफिनेशन कर्नल ऑफ t, कर्नल ऑफ t क्या होगा, कर्नल ऑफ t इज इक्वल टू फोर ऑल f इन v सच दैट t ऑफ f इज इक्वल टू जीरो जीरो, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो डिफाइन है किस टाइप से डिफाइन है, t v टू r टू, तो यानी कि जो इसकी रेंज स्पेस में जो भी एलिमेंट आएगा वो कहाँ से होगा, r टू से, तो इसीलिए t ऑफ f कहाँ पे जाएगा, जीरो जीरो, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए t ऑफ f आपको क्या गिवन है, वट इज़ टी ऑफ एफ इज सी वन प्लस सी टू इज इक्वल टू जीरो जीरो, कैन बी रिटन एज एफ इन वी सच दैट सी वन प्लस सी टू इज इक्वल टू जीरो एंड सी वन इज इक्वल टू जीरो, दिस इम्प्लाइज एफ इन वी सच दैट सी वन एंड सी टू बोथ आर जीरो, ओके, देन कर्नल ऑफ टी इज इक्विवेलेंट टू जीरो, ठीक है, अगर कर्नल ऑफ टी आपका जीरो है, दिस इंप्लाइज टी इज वन वन, ओके, एंड कर्नल स्पेस इज अ ट्रिवियल स्पेस, ठीक है। व्हाट अबाउट रैंक नलिटी थ्योरम, व्हाट अबाउट रैंक नलिटी थ्योरम, अब ऑन टू कैसे फाइंड आउट करोगे आप, ऑन टू कैसे फाइंड आउट करोगे, अगर आप डायमेंशन ऑफ रेंज स्पेस एंड डायमेंशन ऑफ कोडोमेन स्पेस इक्वल प्रूफ कर दो, तो हम क्या बोल देंगे कि जो फंक्शन है क्या है, ऑन टू, ठीक है, सॉरी जो ट्रांसफॉर्मेशन है क्या है, ऑन टू, एंड रैंक नलिटी थ्योरम इज रैंक ऑफ टी प्लस नलिटी ऑफ टी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ डोमेन स्पेस एंड डायमेंशन ऑफ डोमेन स्पेस इज टू, रैंक ऑफ टी प्लस नलिटी ऑफ टी इज जीरो इज इक्वल टू टू, दिस इम्प्लाइज रैंक ऑफ टी इज इक्वल टू टू, एंड वी नो दैट रेंज स्पेस ऑलवेज सब स्पेस ऑफ को डोमेन स्पेस एंड डायमेंशन ऑफ रेंज स्पेस इज टू एंड डायमेंशन ऑफ को डोमेन स्पेस इज वो भी क्या है आपके पास टू, क्योंकि कोडोमेन स्पेस क्या है आर टू, तो डायमेंशन आपकी क्या होगी यहाँ पे टू, तो ये दोनों क्या हैं इक्वल है, दिस इम्प्लाइज टी इज ऑन टू, तो ऑप्शंस देखिए, फर्स्ट ऑप्शन इज वन वन एंड ऑन टू, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका ट्रू होगा, टी आपका वन वन भी है एंड ऑन टू भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेट ए बी बी एन क्रॉस एन मैट्रिसेस विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वल ट्रेस ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर, ए एंड बी आपको दो मैट्रिक्स गिवन है, हमें क्या फाइंड आउट करना है कि ट्रेस ऑफ ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर किसके इक्वल होगा, हमें चार ऑप्शन यहाँ पे गिवन है, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई हमें करना है और फाइंड आउट करना है कि किसके इक्वल होगा इनमें से। जो ट्रेस फंक्शन होता है वो ए बी की रिस्पेक्ट में कम्यूट करता है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि जो ट्रेस फंक्शन होता है वो हमेशा ए बी की रिस्पेक्ट में कम्यूट करेगा, यानी कि ट्रेस ऑफ ए बी ऑलवेज इक्वल टू ट्रेस ऑफ बी ए, ठीक है, एंड वी हैव टू गिवन दैट ट्रेस ऑफ ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर कैन बी रिटन एज ट्रेस ऑफ ए ए एंड बी बी, ओके, एंड
ये प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे कि ट्रेस ऑफ ए बी इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ बी ए, ट्रेस ऑफ ए बी ए बी, ठीक है। अब उसके बाद हमें क्या करना है, अगेन यूज करेंगे हम कम्यूट प्रॉपर्टी, ट्रेस ऑफ ए बी बी ए, ओके, एंड इज ट्रेस ऑफ ए बी स्क्वायर ए। तो यहाँ पे देखिए सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट है, ट्रेस ऑफ ए बी स्क्वायर ए, ओके, अदर ऑप्शंस आर इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन ए 4x4 रियल मैट्रिक्स ए, लेट टी आर 4 to R4 विद ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइंड बाई टी ऑफ वी इज इक्वल टू ए ऑफ वी, वे है वी थिंक ऑफ आर फोर एज द सेट ऑफ रियल 4x1 मैट्रिसेस फॉर विच चॉइस ऑफ ए गिवन बिलो डू इमेज ऑफ टी एंड इमेज ऑफ टी स्क्वेयर हैव रिस्पेक्टिव डायमेंशन 2 and 1, स्टार डिनोट्स ए नॉन जीरो एंट्री, ओके। तो हमें पता है कि अगर आपके पास एक ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है तो हम उसके रिस्पेक्ट में हम एक मैट्रिक्स फाइंड आउट कर सकते हैं, और अगर हम एक मैट्रिक्स गिवन है तो हम वहाँ से एक ट्रांसफॉर्मेशन रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना। तो इमेज ऑफ टी हमेशा किसके इक्वल होती है, इमेज ऑफ ए, ये आपको पता होगा, ठीक है, कि जो इमेज ऑफ टी किसके इक्वल होती है, इमेज ऑफ ए के। तो हम ए पे वर्क करें टी पे वर्क करें वो दोनों की इमेज इक्वल ही होगी। ए जो मैट्रिक्स है क्या है, मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी, ए क्या है, मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी, मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी। तो फर्स्ट ऑप्शन देखिए, यहाँ पे हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है कि जो इमेज ऑफ टी क्या हो, डायमेंशन क्या हो 2, एंड इमेज ऑफ टी के की जो डायमेंशन है वो क्या हो 1। अब फर्स्ट ऑप्शन देखिए कि फर्स्ट ऑप्शन क्या है, फर्स्ट ऑप्शन जो है आपका मैट्रिक्स गिवन है, क्या है मैट्रिक्स, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 स्टार स्टार 0 0 0 0 0 0 ये आपके पास मैट्रिक्स गिवन है। अब यहाँ पे देखिए 2 नॉन जीरो कॉलम्स हैं, ठीक है, तो रैंक कितना होगा, यहाँ पे 2 नॉन जीरो कॉलम्स हैं तो रैंक यहाँ पे कितना होगा, एंड गिवन हमें क्या है कि टी ऑफ वी इज इक्वल टू ए वी, ठीक है, तो रैंक यहाँ पे कितना होगा, नंबर ऑफ नॉन जीरो कॉलम्स 2, दिस इम्प्लाइज द रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 2, ठीक है, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि रैंक ऑफ टी इज इक्वल टू 2, या फिर डायमेंशन ऑफ इमेज ऑफ टी इज इक्वल टू 2, ठीक है। इमेज हमने फाइंड आउट कर ली टी की, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, इमेज ऑफ टी स्क्वेयर, इमेज ऑफ टी स्क्वेयर क्या होगी, तो उसके लिए हमें यहाँ पे ए स्क्वेयर फाइंड आउट करना होगा। ए स्क्वेयर क्या होगा, देखिए 0 0 0 0 0 0 0 0 star star 0 0 star star 0, तो यहाँ पे क्या आएगा, 0 0 0 0 0 0 0 0 star star 0, तो फर्स्ट रो इनटू फर्स्ट कॉलम, यहाँ पे जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा आपके पास, 0 0 star star star, यहाँ पे नॉन जीरो एंट्री को डिनोट करता है 0 0 star, एंड यहाँ पे क्या आएगा, star star 0 0 0, ओके। तो यहाँ से रैंक जब आप फाइंड आउट करोगे तो क्या आएगा, रैंक यहाँ पे
रैंक क्या होगा यहाँ पे, क्या होगा फ्रेंड्स रैंक यहाँ पे, देखिए रैंक ऑफ ए स्क्वेयर इज इक्वल टू, ठीक है, या फिर रैंक ऑफ टी स्क्वेयर इज इक्वल टू वन। यहाँ पे हमें यही बताना था कि इमेज ऑफ टी एंड इमेज ऑफ टी स्क्वेयर है रिस्पेक्टिव डायमेंशन टू एंड वन। तो यहाँ पे देखिए टी की रिस्पेक्ट में आपकी जो डायमेंशन है क्या है टू, एंड टी स्क्वेयर की रिस्पेक्ट में क्या है वन, ठीक है। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। ऐसे ही आप सेकंड, थर्ड और फोर्थ को चेक कर लेना कि किसकी डायमेंशन वन है और किसकी डायमेंशन टू है, ठीक है। सिंपली ऐसे ही आपको मल्टीप्लाई करके चेक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेट टी बी ए 4x4 रियल मैट्रिक्स सच दैट टी 4 इज इक्वल टू 0, लेट के आई इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ कर्नल ऑफ टी आई 4 आई गोइंग 1 to 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पॉसिबिलिटी फॉर द सीक्वेंस। हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है कि इसमें से कौन सी ट्रू नहीं है, मतलब कि हमें यहाँ पे एक सीक्वेंस फाइंड आउट करनी है। तो हमें देखनी है कि कौन सी सीक्वेंस यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। तो उससे पहले हमें K1, K2, K3, K4 की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। और यहाँ पे देखिए हमें क्या गिवन है, टी रेज टू द पावर 4 इज इक्वल टू 0, यानी कि नील पोटेंट मैट्रिक्स, ठीक है। एंड ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे अगर गिवन है, अगर आपको ए रेज टू द पावर 4 इज इक्वल टू 0 गिवन होता तो हम बोलते कि नील पोटेंट मैट्रिक्स। और यहाँ पे क्या गिवन है, टी रेज टू द पावर 4 इज इक्वल टू 0, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन इज ए नील पोटेंट ऑपरेटर, ठीक है। अगर हम यहाँ पे मैट्रिक्स निकालते हैं टी के रिस्पेक्ट में तो वो बोलेंगे नील पोटेंट मैट्रिक्स, और अगर हम टी की बात करेंगे तो क्या कहेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन इज नील पोटेंट ऑपरेटर, ठीक है। तो यहाँ पे जो टी है वो क्या है, नील पोटेंट है, ओके। यहाँ पे देखिए टी रेज टू द पावर 4 इज इक्वल टू 0 मीन्स ट्रांसफॉर्मेशन इज नील पोटेंट ऑपरेटर, नील पोटेंट ऑपरेटर, ओके। एंड तो हम यहाँ से एक पॉलिनोमियल क्रिएट कर सकते हैं, टी रेज टू द पावर 4 इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज क्या आएगी, करैक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ टी इज एक्स रेज टू द पावर 4। एंड मिनिमल पॉलिनोमियल की पॉसिबिलिटी यहाँ पे क्या होगी, मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ टी इज एक्स और एक्स स्क्वेयर और एक्स क्यूब और एक्स रेज टू द पावर 4, ये आपकी पॉसिबिलिटी होंगी मिनिमल पॉलिनोमियल की। तो हम एक एक करके यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं कि किस केस में क्या होगी, कि अगर मिनिमल पॉलिनोमियल आपकी एक्स हुई तो आपकी K1, K2, K3, K4 की वैल्यूज़ क्या रहेंगी, सीक्वेंस क्या बनेगी। अगर आपके मिनिमल पॉलिनोमियल एक्स स्क्वेयर आई तो आपकी सीक्वेंस क्या बनेगी, और अगर आपकी मिनिमल पॉलिनोमियल एक्स रेज टू द पावर 3 आई तो आपकी सीक्वेंस क्या बनेगी, और अगर आपके मिनिमल पॉलिनोमियल एक्स रेज टू द पावर 4 आई तो आपके मिनिमल जो सीक्वेंस है वो क्या बनेगी, ठीक है। तो हम एक एक करके कंसीडर करेंगे। अब देखिए व्हेन मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ टी इज एक्स, कि अगर आपके मिनिमल पॉलिनोमियल एक्स हुई तो क्या होगा, बाय कैली हैमिल्टन थ्योरम एवरी मिनिमल पॉलिनोमियल एनिहिलेट इट्स मैट्रिक्स, आपको पता है, ठीक है। देन बाय कैली हैमिल्टन थ्योरम, ठीक है, बाय कैली हैमिल्टन थ्योरम एवरी मिनिमल पॉलिनोमियल एनिहिलेट इट्स मैट्रिक्स, दिस इंप्लाइज इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए हमें क्या गिवन है, के आई क्या है, के आई इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ कर्नल ऑफ टी आई, ये है, ठीक है। तो के वन यहाँ से क्या होगा, के वन इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ कर्नल ऑफ टी, क्या होगा अगर टी आपके पास 0 है, टी आपके पास अगर 0 है तो K1 क्या होगा, यानी कि नलिटी ऑफ टी
दिस इम्प्लाइज नलिटी ऑफ टी इज 4, ठीक है। अगर आपके पास कर्नल, डायमेंशन ऑफ कर्नल ऑफ टी अगर आपके पास क्या है, सॉरी, अगर आपके पास टी 0 है देन डायमेंशन ऑफ कर्नल ऑफ टी क्या होगा, 4, यानी कि नलिटी ऑफ टी क्या होगी, 4, तो K1 आपका क्या आएगा, 4 आएगा, ठीक है। देन दिस इम्प्लाइज अगर टी आपके पास 0 है तो टी स्क्वेयर भी क्या होगा, 0 होगा। दिस इम्प्लाइज K2 ऑल्सो 4। देन अगर टी स्क्वेयर 0 है तो टी क्यूब भी आपके पास क्या होगा, एंड दिस इम्प्लाइज K3 ऑल्सो 4। और अगर आपके पास T3 0 है तो T4 भी क्या होगा, 0 होगा। दिस इम्प्लाइज K4 ऑल्सो 4, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास सीक्वेंस क्या बनी, 4 लेस देन इक्वल टू 4 लेस देन इक्वल टू 4 लेस देन इक्वल टू 4, ठीक है। यहाँ तक ठीक है ना, ठीक है। देखिए अगर कर्नल ऑफ टी की आपको डेफिनेशन नहीं पता है तो क्या होती है, 4 ऑल एक्स इन वी सच दैट टी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपकी क्या बनेगी, देखो, व्हेन मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ टी इज एक्स स्क्वेयर, अगर आपके मिनिमल पॉलिनोमियल एक्स स्क्वेयर है तो आपको पता है कि जितनी मिनिमल पॉलिनोमियल की पावर होती है यानी कि जितनी उसकी डिग्री होती है उतने ही ऑर्डर का एक जॉर्डन ब्लॉक तो पक्का होता है। अब आपके पास जो मैट्रिक्स है वो क्या है, 4x4 की है, तो यहाँ पे देखिए आपके पास वहाँ पे एक 2 ऑर्डर का जॉर्डन ब्लॉक तो पक्का मिलेगा, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी देखिए टी की क्या क्या हो सकती है, जो पॉसिबिलिटी होंगी, एक जॉर्डन ब्लॉक आपका 2 ऑर्डर का होगा और जो आइगन वैल्यूज आपकी क्या है, 0 है, तो जो जॉर्डन ब्लॉक है आइगन वैल्यू 0 की कोरस्पॉन्डिंग, एक तो 2 ऑर्डर का आपका ये हो गया, ठीक है, ये हो गया एक जॉर्डन ब्लॉक। अब पॉसिबिलिटी क्या है आपके पास दूसरी, ये हो सकता है कि जो सेकंड जो वो होगा ब्लॉक वो भी आपका 2 ऑर्डर का हो सकता है, ठीक है। एक पॉसिबिलिटी तो आपकी ये है कि सेकंड भी आपका क्या हो, 2 ऑर्डर का हो, ठीक है। अदर पॉसिबिलिटी आपकी क्या है कि ये तो आपको पता है कि एक जॉर्डन ब्लॉक तो आपका पक्का ही 2 ऑर्डर का होगा, ठीक है। और पॉसिबिलिटी आपकी ये हो सकती है कि जो अदर 2 जो ब्लॉक हैं वो आपके 1-1 ऑर्डर के हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मिनिमल पॉलिनोमियल जो है उसकी पावर कितनी है, यहाँ पे 2, तो 2 ऑर्डर का एक जॉर्डन ब्लॉक पक्का होगा। जो उन जो यहाँ पे दूसरे रहते हैं उसकी ये है कि या तो वो भी 2 ऑर्डर का है या फिर 1-1 ऑर्डर के हैं दोनों, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जो ये मैट्रिक्स आपकी है, इस केस में K1 K2 K3 K4 क्या आएगा। अब यहाँ पे देखिए कि जो रैंक ऑफ, हाँ यहाँ पे क्या है कि टी आपकी जो ये है, यहाँ पे रैंक कितना है, रैंक कितना है, यहाँ पे नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितनी है, 2 है, ठीक है, लिनियरली इंडिपेंडेंट। तो अगर यहाँ पे रैंक की मैं बात करूँ, रैंक ऑफ टी कितना है यहाँ पे, 2, ओके। तो रैंक ऑफ टी जो है यहाँ पे कितना है, 2 है, ठीक है। तो नलिटी क्या आएगी, नलिटी ऑफ टी, नलिटी ऑफ टी यानी कि K1 क्या आएगा यहाँ पे, K1 इज इक्वल टू 2, ठीक है। एंड K2 क्या आएगा, K2 क्या आएगा, जब आप यहाँ पे टी स्क्वेयर करोगे, जब आप यहाँ पे टी स्क्वेयर करोगे तो आपके पास 0 मैट्रिक्स बनेगी, ठीक है। देन दिस इम्प्लाइज K2 इज 4, ओके। और अगर टी स्क्वेयर आपकी 0 है तो टी क्यूब भी क्या आएगी, 0। दिस इम्प्लाइज K3 ऑल्सो 4, एंड T4 इज 0, दिस इम्प्लाइज K4 ऑल्सो 4, ठीक है। और अगर मैं इस मैट्रिक्स की बात करूँ तो इस मैट्रिक्स में आपकी एक नॉन जीरो रो है, ठीक है। तो यहाँ पे रैंक जो है वो कितना है, रैंक ऑफ टी इज 1, तो K1 जो है नलिटी क्या आएगी, 3, ठीक है। एंड टी स्क्वेयर जब आप करोगे यहाँ पे तो क्या आएगा, टी स्क्वेयर जब आप करोगे यहाँ पे तो वो 0 आएगी। दिस इम्प्लाइज K2 इज 4 एंड K3 ऑल्सो 4,
एंड के फोर भी आपका क्या आएगा, फोर। तो इस केस में जो आपकी सीक्वेंस बनेगी क्या आएगी, टू लेस देन इक्वल टू फोर लेस देन इक्वल टू फोर लेस देन इक्वल टू फोर। और इस केस में जो आपकी सीक्वेंस आएगी क्या आएगी, थ्री लेस देन इक्वल टू फोर लेस देन इक्वल टू फोर एंड लेस देन इक्वल टू फोर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, व्हेन मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ टी इज एक्स क्यूब। अब अगर आपके मिनिमल पॉलिनोमियल एक्स क्यूब है तो जितनी आपके मिनिमल पॉलिनोमियल की डिग्री है उतने ऑर्डर का एक जॉर्डन ब्लॉक पक्का होगा। और आपको पता है कि जो आपकी मैट्रिक्स है कितने ऑर्डर की है, फोर क्रॉस फोर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, एक थ्री ऑर्डर का जॉर्डन ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू जीरो आइगन वैल्यू, तो जीरो आइगन वैल्यू के रिस्पेक्ट में आपका एक तीन ऑर्डर का जॉर्डन ब्लॉक जो होगा क्या होगा, ये होगा। ठीक है, एंड एक ही पॉसिबिलिटी है यहाँ पे कि जो एक रह गया वो क्या होगा, वन ऑर्डर का। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फोर क्रॉस फोर की है, तो अगर आपके पास एक जॉर्डन ब्लॉक थ्री ऑर्डर का है तो यहाँ पे सिर्फ एक ही एंट्री रहती है तो वो क्या होगा, वन ही ऑर्डर का होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए रैंक कितना है, रैंक यहाँ पे टू है। ठीक है, तो के वन आपका यहाँ पे क्या होगा, नलिटी ऑफ टी क्या होगी, टू। ओके, तो जब आप यहाँ पे टी स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, देखिए टी स्क्वायर यहाँ पे आप करिए, जब आप टी स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, जीरो जीरो वन जीरो वन एंड जीरो जीरो, यहाँ पे क्या आएगा, जीरो जीरो और ये जीरो 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 ये जीरो। ओके, ये मैट्रिक्स आपकी है, जीरो वन जीरो 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 वन जीरो 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 जीरो। ओके, तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे क्या आएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम जीरो एंड फर्स्ट रो सेकंड कॉलम वन, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम जीरो जीरो एंड सेकंड रो फर्स्ट कॉलम जीरो, सेकंड रो सेकंड कॉलम जीरो, सेकंड ये सारी की सारी अब एंट्रीज क्या आएंगी आपकी, जीरो जीरो। ओके, तो यहाँ पे रैंक ऑफ टी स्क्वायर देखिए क्या है, वन है। देन के टू यहाँ पे क्या आएगा, थ्री, यानी कि नलिटी ऑफ टी स्क्वायर क्या आएगी यहाँ पे, थ्री। एंड के फोर, अब जब आप यहाँ पे टी क्यूब करोगे तो क्या आएगा, यहाँ पे जीरो आएगा, तो जो नलिटी ऑफ टी क्यूब है वो आएगी आपकी फोर एंड नलिटी ऑफ टी फोर आपकी क्या आएगी, फोर। तो यहाँ पे जो सीक्वेंस आपकी बनी क्या आई, टू लेस देन इक्वल टू थ्री लेस देन इक्वल टू फोर लेस देन इक्वल टू फोर। ठीक है, अब आपके पास लास्ट मिनिमल पॉलिनोमियल बचती है, क्या है, व्हेन मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ टी इज एक्स रेस टू द पावर फोर। अब एक्स रेस टू द पावर फोर है तो यहाँ पे जो जॉर्डन ब्लॉक बनेगा वो फोर ऑर्डर का जॉर्डन ब्लॉक होगा। ठीक है, जीरो 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 वन वन वन। अब यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज क्या है, थ्री है, तो रैंक ऑफ टी यहाँ पे कितना है आपका, थ्री है, तो नलिटी ऑफ टी आपकी क्या आएगी यहाँ पे, नलिटी ऑफ टी यहाँ पे आपकी आएगी वन। ओके, और जब आप यहाँ पे टी स्क्वायर करोगे तो आपकी नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज यहाँ पे टू आएंगी, तो नलिटी ऑफ टी स्क्वायर आपकी क्या रहेगी, टू। एंड जब आप टी क्यूब करोगे तो वहाँ पे वन नॉन जीरो रो रहेगी, तो नलिटी ऑफ टी क्यूब आपकी क्या आएगी, थ्री। एंड जब आप टी रेस टू द पावर फोर करोगे तो मैट्रिक्स आपकी क्या बनेगी, जीरो, देन नलिटी ऑफ टी फोर इज फोर। ओके, तो सीक्वेंस यहाँ पे बनेगी, वन लेस देन इक्वल टू टू लेस देन इक्वल टू थ्री लेस देन इक्वल टू फोर। अब ऑप्शंस देखिए, ऑप्शंस देखिए कि क्या क्या पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। देखिए फर्स्ट जो है ऑप्शन, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, हमें यहाँ पे नोट बताना है, तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, इनकरेक्ट होगा। थर्ड भी हमने देखी थी, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, फोर्थ भी हो सकती है, लेकिन जो सेकेंड है, वन लेस देन इक्वल टू थ्री लेस देन इक्वल टू फोर लेस देन इक्वल टू फोर, ये पॉसिबिलिटी आपकी नहीं है। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू आवर स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम आर थ्री टू आर थ्री। ठीक है,
ठीक है। अब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अगर हमें चेक करना है तो डेफिनेशन क्या है आपकी? फॉर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अंडर टी जीरो की इमेज हमेशा क्या होगी? जीरो, ठीक है। अगर मैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की बात करती हूँ, देखिए अगर मैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की यहाँ पे बात करूँ तो फर्स्ट ही जो कंडीशन है क्या है कि अंडर टी जीरो की इमेज है जो क्या होगी? जीरो, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन में देखिए कि अगर मैं यहाँ पे एफ ऑफ जीरो 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 करती हूँ तो क्या आएगा? फोर जीरो, विच इज़ नॉट इक्वल टू जीरो जीरो। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हो गया। एंड सेकंड देखिए, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे जी ऑफ जीरो 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 करूँ तो क्या आएगा यहाँ से? जीरो जीरो, ठीक है। ये तो सेटिस्फाई हो गई फर्स्ट। तो अब हम सेकंड कंडीशन पे आते हैं कि सेकंड क्या है कंडीशन, कि अगर मैं यहाँ पे जी ऑफ अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई किसके इक्वल आना चाहिए? अल्फा ऑफ जी ऑफ एक्स प्लस बीटा ऑफ जी ऑफ वाई, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके चलती हूँ, लेफ्ट हैंड साइड आपकी क्या आएगी? जी ऑफ अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई, यहाँ से आएगा अल्फा एक्स प्लस सॉरी अल्फा एक्स इंटू बीटा वाई, ठीक है। एंड अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई, ये है। हमें यहाँ पे एक्स वाई जेड थ्री गिवन है ना, एक मिनट यहाँ से देखिए कैसे करोगे, क्या आएगा यहाँ पे? जी ऑफ अल्फा एक्स वन प्लस बीटा वाई वन, अल्फा एक्स टू प्लस बीटा वाई टू, अल्फा एक्स थ्री प्लस बीटा वाई थ्री, ओके। एंड किसके इक्वल होना चाहिए? ये इज इक्वल टू अल्फा जी ऑफ एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री प्लस बीटा जी ऑफ वाई वन वाई टू वाई थ्री। तो यहाँ से जब आप सोल्व करोगे इसको तो क्या आएगा? ये लेफ्ट हैंड साइड अगर मैं लेके चलूँ तो यहाँ से आएगी अल्फा एक्स वन प्लस बीटा वाई वन इंटू अल्फा एक्स टू प्लस बीटा वाई टू, ओके। एंड सेकंड आपका एलिमेंट आएगा अल्फा एक्स वन प्लस बीटा वाई वन प्लस अल्फा एक्स टू प्लस बीटा वाई टू, ठीक है। एंड जब आप यहाँ पे राइट हैंड साइड देखोगे तो क्या आएगा? अल्फा यहाँ से आएगा एक्स वन एक्स टू एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस बीटा वाई वन वाई टू वाई वन प्लस वाई टू। अब यहाँ पे देखिए, जो फर्स्ट है अल्फा एक्स वन इंटू अल्फा एक्स टू, चलो अल्फा यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, लेकिन अल्फा एक्स वन इंटू बीटा वाई टू भी आएगा, लेकिन यहाँ पे नहीं है, ठीक है। देखिए क्या आएगा, अगर मैं फर्स्ट को ही सोल्व करूँ, फर्स्ट एंट्री को, तो क्या आएगी? अल्फा एक्स वन अल्फा एक्स टू, अल्फा स्क्वेयर एक्स वन एक्स टू एंड यहाँ से क्या आएगा? अल्फा बीटा एक्स वन वाई टू, लेकिन ऐसी कोई एंट्री यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो सेकंड ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। अब थर्ड ऑप्शन देखिए, थर्ड ऑप्शन देखिए, यहाँ पे जब आप एच ऑफ जीरो करोगे तो वो जीरो आएगी, और क्या ये क्या जो ये कंडीशन है ये सेटिस्फाई होगी? देखिए अगर मैं ओनली एफ, ये इनकरेक्ट हो गया, ओनली जी ये भी इनकरेक्ट हो गया। अब हमें जी चेक करना है कि एच क्या होगा, एच क्या होगा ये हमें चेक करना है। तो देखिए जब आप एच ऑफ जीरो करोगे तो इमेज तो आपकी जीरो आ जाएगी, लेकिन जब आप ये कंडीशन लगाओगे कि एच ऑफ अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई किसके इक्वल आना चाहिए? अल्फा ऑफ एच ऑफ एक्स प्लस बीटा ऑफ एच ऑफ वाई, तो यहाँ से ये क्या आएगा? देखिए
जो एक्स वाई जो यहाँ पे एलिमेंट है ये कहाँ से बिलोंग करता है, आर थ्री से। तो ये क्या आएगा, एच ऑफ अल्फा एक्स वन प्लस बीटा वाई वन अल्फा एक्स टू प्लस बीटा वाई टू, और यहाँ पे आएगा अल्फा एक्स थ्री प्लस बीटा वाई थ्री। ठीक है, तो ये किसके इक्वल आना चाहिए ये हम देख लेंगे। पहले हम इसको ही सोल्व कर लेते हैं। तो ये किसके इक्वल आएगा, जेड माइनस एक्स। जेड आपका क्या है, ये जेड है, ये वाई है आपका, और ये एज ए एक्स ये है। ठीक है, जेड माइनस एक्स का मतलब क्या है, यहाँ पे अल्फा एक्स थ्री प्लस बीटा वाई टू माइनस एक्स आपका है अल्फा एक्स वन माइनस बीटा वाई वन। ठीक है, एंड सेकंड आपका है एक्स प्लस वाई, अल्फा एक्स वन प्लस बीटा वाई वन प्लस अल्फा एक्स टू प्लस बीटा वाई टू। ओके, तो यहाँ से जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम क्या आएगा, अल्फा कॉमन ले लीजिए, एक्स थ्री माइनस एक्स वन एंड बीटा यहाँ से कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, वाई टू माइनस वाई वन। ठीक है, इधर से भी आप अल्फा कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, एक्स वन प्लस एक्स टू, एंड जब बीटा आप कॉमन लोगे तो यहाँ पे आएगा वाई वन प्लस वाई टू, एंड कैन बी रिटन एज अल्फा यहाँ से एक्स थ्री माइनस एक्स वन एंड एक्स वन प्लस एक्स टू, एंड इधर से क्या आएगा, बीटा वाई टू माइनस वाई वन एंड वाई वन प्लस वाई टू। यहाँ पे सॉरी कुछ मिस्टेक है, यहाँ पे वाई वन माइनस वाई टू, यहाँ पे ये थ्री है, सॉरी ये थ्री आएगा यहाँ पे, एक मिनट, ये आपका यहाँ पे थ्री है, वाई टू माइनस सॉरी एक्स थ्री माइनस वाई थ्री माइनस वाई वन, यहाँ पे क्या आएगा, वाई थ्री माइनस वाई वन। ओके, तो कैन बी रिटन एज अल्फा एच ऑफ एक्स एंड प्लस बीटा एच ऑफ वाई, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये कंडीशन भी आपकी सेटिस्फाई होती है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट होगा, जो ये है जो एक्स वाई जेड, ये आपकी क्या होगी, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। जब भी आपको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन चेक करनी हो तो सबसे पहले आप ये देखिए कि जीरो की जो इमेज है अंडर टी वो जीरो है या फिर नहीं है, या कुछ ऑप्शंस तो आपके यहीं से इनकरेक्ट हो जाएंगे कि अंडर टी जब आप इमेज चेक करोगे तो वो आपकी जीरो ही आनी चाहिए। ठीक है, जीरो के कोरस्पॉन्डिंग। अदरवाइज अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो सेकेंड कंडीशन आपकी ये है कि आप फिर ये चेक कर लीजिए। ओके, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आएगा, थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, ओनली एच। ओके, फोर्थ भी आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेट ए बी एम क्रॉस एन मैट्रिक्स ऑफ रैंक एन। आपके पास एक मैट्रिक्स है एम क्रॉस एन और रैंक क्या है, एन है, विद रियल एंट्रीज चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या गिवन है, एक मैट्रिक्स है एम क्रॉस एन। ओके, एंड रैंक ऑफ ए आपको क्या है, एन। रैंक ऑफ ए क्या गिवन है, एन है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम एक ट्रांसफॉर्मेशन रिप्रेजेंट करें विद रिस्पेक्ट टू ए तो क्या होगी, नंबर ऑफ रोज यहाँ पे क्या है, एम, एंड नंबर ऑफ रो कॉलम्स यहाँ पे एन है। ठीक है, तो एंट्रीज कहाँ से हैं, सेट ऑफ रियल नंबर से है, तो यहाँ पे जो डोमेन स्पेस जो आएगा क्या होगा, आर रेज टू द पावर एन, एंड को डोमेन स्पेस आएगा आर रेज टू द पावर एन। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपकी क्या होगी, ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, अब देखिए फर्स्ट ऑप्शन पे आते हैं हम कि फर्स्ट ऑप्शन क्या है। फर्स्ट ऑप्शन इज ए एक्स इज इक्वल टू बी हैज ए सॉल्यूशन फॉर एनी बी। ठीक है, इसने कहा कि ए एक्स इज इक्वल टू बी हैज ए सॉल्यूशन फॉर एनी बी। क्या ये जरूरी है कि हर एक बी के लिए सॉल्यूशन होगा, देखिए उससे पहले आपके वो मैंने कई बार रिजल्ट लिखवाया है कि सॉल्यूशन कब एग्जिस्ट करता है। ठीक हैज ए सॉल्यूशन, इसकी एक कंडीशन है, क्या है, देखिए ए एक्स इज इक्वल टू बी हैज ए सॉल्यूशन, ए एक्स इज इक्वल टू बी हैज ए सॉल्यूशन इफ एंड ओनली इफ रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी मैट्रिक्स। ठीक है, एंड सेकंड रिजल्ट जो है क्या है, नंबर ऑफ
solutions is equal to cardinality of f की पावर क्या हो, डायमेंशन ऑफ कर्नल ऑफ ए, एंड या फिर ये लिख सकते हैं डायमेंशन ऑफ कर्नल ऑफ ए को क्या बोलते हैं हम, नलिटी ऑफ ए, कार्डिनलिटी ऑफ एफ रेज टू द पावर नलिटी ऑफ ए, ओके। और यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, यहाँ पे हम जो ये है ए एक्स इज इक्वल टू बी, और जो इधर नंबर ऑफ सॉल्यूशन है ए एक्स इज इक्वल टू जीरो के केस में करते हैं, ठीक है। अब हमें क्या गिवन है, देखिए गिवन दैट रैंक ऑफ ए इज एन, देन बाई रैंक नलिटी थ्योरम, बाई रैंक नलिटी थ्योरम नलिटी ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ ए क्या है एन, एंड डैम यहाँ पे देखिए जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं क्या है एन, दिस इम्प्लाइज नलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। यहाँ से क्या आ गया, नलिटी ऑफ ए इज जीरो, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस अगर आप यहाँ पे फाइंड आउट करोगे तो क्या आएगा, यहाँ पे नलिटी ऑफ ए क्या आ गया जीरो, ठीक है। अब इधर देखिए अगर मैं एक एग्जांपल लूँ, लेट ए इज इक्वल टू वन जीरो टू इंटू वन, एंड बी मैंने यहाँ पे कंसीडर कर लिया वन वन, ठीक है। तो रैंक ऑफ ए यहाँ पे कितना है वन, एंड रैंक ऑफ ए आर्गुमेंटेड बी क्या होगा, ए आर्गुमेंटेड बी जो मैट्रिक्स है वो क्या होगी वन जीरो एंड वन वन, तो यहाँ पे कितना होगा रैंक टू, तो रैंक ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए आर्गुमेंटेड बी, ओके। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे देखिए क्या स्टेटमेंट लिखवाई है कि ए एक्स इज इक्वल टू बी हैज ए सॉल्यूशन इफ एंड ओनली इफ रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए आर्गुमेंटेड बी मैट्रिक्स, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे जो आपके पास ये मैट्रिक्स है, अगर मैं यहाँ पे नलिटी फाइंड आउट करूँ कि क्या नलिटी यहाँ पे जीरो आएगी, यानी कि जो मैंने मैट्रिक्स यहाँ पे कंसीडर की है क्या ये सही है, तो देखिए अगर मैं यहाँ पे डिस्कस करूँ कि किस टाइप की मैट्रिक्स होनी चाहिए, ये एम क्रॉस एन ये तो ठीक है कि नंबर ऑफ़ रोज यहाँ पे कितनी है टू है, नंबर ऑफ़ कॉलम्स यहाँ पे क्या है वन है, तो अगर मैं यहाँ पे नलिटी की बात करूँ तो उसके लिए मेरे को कर्नल फाइंड आउट करना होगा, कर्नल ऑफ ए यहाँ पे क्या होगा कि एक्स इन आर रेज टू द पावर एन, यानी कि नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है वन है, देन सच दैट ए एक्स इज इक्वल टू जीरो। अब ए एक्स आपका यहाँ पे क्या है, एक्स इन आर सच दैट ए इज वन जीरो एंड एक्स इज इक्वल टू जीरो, ओके। तो यहाँ से आपका क्या आ गया एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो कर्नल यहाँ से क्या आ गया जीरो, ठीक है। तो नलिटी ऑफ ए यहाँ पे क्या आएगी जीरो, तो यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हो गया, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इज इनकरेक्ट। सेकेंड ऑप्शन क्या है, ए एक्स इज इक्वल टू जीरो डज नॉट हैव ए सोल्यूशन, तो ये आपका इनकरेक्ट होगा, क्योंकि ए एक्स इज इक्वल टू जीरो जब हम लेंगे तो यहाँ पे देखिए कि ट्रिवियल सॉल्यूशन यहाँ पे हमेशा ही एग्जिस्ट करेगा, ट्रिवियल सॉल्यूशन ऑलवेज एग्जिस्ट, ठीक है। ए एक्स इज इक्वल टू जीरो डज नॉट हैव ए सॉल्यूशन जो इसने कह दिया ये गलत है, क्योंकि यहाँ पे ट्रिवियल सॉल्यूशन हमेशा एग्जिस्ट करेगा, ये भी इनकरेक्ट होगा। थर्ड ऑप्शन क्या है, इफ़ ए एक्स इज इक्वल टू बी हैज ए सॉल्यूशन देन इट इज़ यूनिक, ये कैसे करोगे, आपके पास जो ट्रांसफॉर्मेशन है क्या है आर रेज टू द पावर एन टू आर रेज टू द पावर एम, एंड नलिटी ऑफ ए इज जीरो, देन नंबर ऑफ सॉल्यूशंस क्या आएंगे इज इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ एफ रेज टू द पावर नलिटी ऑफ ए, एंड नलिटी ऑफ ए क्या है आपके पास जीरो, एंड किसी भी नंबर की पावर अगर जीरो है तो क्या होगा वो वन होगा, यानी कि इसके पास अगर सॉल्यूशन होगा तो वो क्या होगा हमेशा यूनिक होगा, ठीक है। द नंबर ऑफ सॉल्यूशन वन है, इसका मतलब क्या है कि इसके पास यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, अगर इस यहाँ पे वन से ग्रेटर आता है तो इसका मतलब है कि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन आपका सही है,
एंड फोर्थ ऑप्शन क्या है कि वाई ट्रांसपोज ए इज इक्वल टू जीरो फोर सम नॉन जीरो वाई वे है वाई डैश डिनोट द ट्रांसपोज ऑफ वेक्टर वाई। तो इसको कैसे करोगे, कैसे करोगे, ऑप्शन फोर्थ, ऑप्शन फोर्थ देखिए, y ट्रांसपोज a इज इक्वल टू जीरो फोर सम y नॉन जीरो। तो आपके पास जो ट्रांसफॉर्मेशन है क्या है, r रेज टू द पावर n टू r रेज टू द पावर m एंड देन a ट्रांसपोज इज r रेज टू द पावर m टू r रेज टू द पावर n। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे देखिए ट्रिवियल सॉल्यूशन तो हमेशा ही एग्जिस्ट करेगा कि अगर y ट्रांसपोज a इज इक्वल टू जीरो है देन ट्रांसपोज ऑफ y ट्रांसपोज a क्या होगा, a ट्रांसपोज y इज इक्वल टू जीरो, यानी कि ट्रिवियल सॉल्यूशन ऑलवेज एग्जिस्ट एंड आई नो दैट रैंक ऑफ a इज इक्वल टू रैंक ऑफ a ट्रांसपोज, ओके, एंड रैंक ऑफ a क्या है, n है, दिस इम्प्लाइज रैंक ऑफ a ट्रांसपोज ऑल्सो n। ठीक है, एंड नलिटी ऑफ a ट्रांसपोज क्या होगी, नलिटी ऑफ a आपके पास क्या है, जीरो है, देन नलिटी ऑफ a ट्रांसपोज इज इक्वल टू, अगर मैं नलिटी ऑफ ए ट्रांसपोज की बात करूँ देन बाई रैंक नलिटी थ्योरम क्या होता है कि रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज प्लस रैंक ऑफ सॉरी नलिटी ऑफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए ट्रांसपोज, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं एम, ठीक है, ओके, एंड रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज क्या हो सकता है, रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज देखिए रैंक ऑफ ए क्या है, एन है, तो यहाँ पे जो नलिटी ऑफ ए ट्रांसपोज जो आपका होगा वो क्या होगा, एम माइनस एन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ठीक है, क्योंकि आपके पास जो मैट्रिक्स है क्या है, एम क्रॉस एन की है, तो जो एन है वो क्या है, लेस देन इक्वल टू एम, ओके, देन नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या होंगे, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, नंबर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ एफ रेज टू द पावर नलिटी ऑफ ए ट्रांसपोज, ओके, इफ नलिटी ऑफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू वन देन इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, ठीक है, इफ नलिटी ऑफ ए ट्रांसपोज इज वन देन इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे, इफ एम इज इक्वल टू एन देन यूनिक सॉल्यूशन, ओके, बिकॉज कार्डिनलिटी ऑफ एफ रेज टू द पावर जीरो इज वन देन यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए फर्स्ट क्या है कि वाई ट्रांसपोज इज इक्वल टू जीरो फोर सम नॉन जीरो वाई, तो यहाँ पे हमें नहीं पता क्योंकि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस भी एग्जिस्ट कर सकते हैं, यूनिक भी एग्जिस्ट कर सकता है, ओके, तो फोर्थ ऑप्शन आपका इनकरेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेट एस बी द सेट ऑफ थ्री क्रॉस थ्री रियल मैट्रिसेस ए विद ए ट्रांसपोज ए इज इक्वल टू, ये आपकी मैट्रिक्स है ए ट्रांसपोज ए, देन द सेट एस कंटेन्स, सबसे पहले देखिए कि एस है क्या, एस बी द सेट ऑफ थ्री क्रॉस थ्री रियल मैट्रिसेस ए जिसके अंदर ये कंडीशन है। ठीक है, तो कैसे करोगे, मैं यहाँ पे कोई भी एक आर्बिट्रेरी मैट्रिक्स ले लेती हूँ सेट एस से, तो मैं देखती हूँ कि उसका बिहेवियर कैसा है, कि कैसे हम यहाँ पे ऑप्शंस को रिजेक्ट करेंगे। ठीक है, लेट ए बी एन आर्बिट्रेरी मैट्रिक्स इन एस
एंड आई हैव ए ट्रांसपोज ए इज इक्वल टू 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ओके एंड रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज ए एंड रैंक ऑफ ए तो क्या कहोगे इसके बारे में. रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज ए यहाँ पे क्या है 1 है ठीक है. देन रैंक ऑफ ए क्या होगा अब यहाँ पे देखिए कि मेरे को क्या प्रूफ करना है. अगर मेरे को रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज ए एंड रैंक ऑफ ए इन दोनों के बीच में रिलेशंस फाइंड आउट करना, तो उसके लिए क्या फाइंड आउट करना होगा. रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज ए मीन्स नलिटी ऑफ ए ट्रांसपोज ए मेरे को फाइंड आउट करना है एंड नलिटी ऑफ ए. एंड नलिटी ऑफ ए ट्रांसपोज ए के लिए मेरे को क्या फाइंड आउट करना होगा. पहले कर्नल ऑफ ए ट्रांसपोज ए एंड कर्नल ऑफ ए ठीक है, ये मेरे को फाइंड आउट करना है. अब यहाँ पे देखिए लेट एक्स बी एन आर्बिट्री एलिमेंट इन कर्नल ऑफ ए. दिस इम्प्लाइज ए एक्स इज इक्वल टू 0 ओके एंड दिस इम्प्लाइज वी कैन मल्टीप्लाई बाय ए ट्रांसपोज बाय लेफ्ट हैंड साइड एंड क्या होगा ए ट्रांसपोज ए एक्स इज इक्वल टू 0. दिस इम्प्लाइज एक्स इन कर्नल ऑफ ए ट्रांसपोज ए एंड दिस इम्प्लाइज कर्नल ऑफ ए कंटेंड इन कर्नल ऑफ ए ट्रांसपोज ए ओके. सिमिलरली वी कैन टेक एन आर्बिट्री एलिमेंट ऑफ कर्नल ऑफ ए ट्रांसपोज ए. कन्वर्सली लेट एक्स बी एन आर्बिट्री एलिमेंट ऑफ कर्नल ऑफ ए ट्रांसपोज ए. दिस इम्प्लाइज ए ट्रांसपोज ए एक्स इज इक्वल टू 0. अब हमें नहीं पता कि जो ए है वो इन्वर्टिबल है या नॉन इन्वर्टिबल है, तो हम ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, बट वी कैन मल्टीप्लाई बाई एक्स ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड इज इक्वल टू 0 कैन बी रिटन एज ए एक्स ट्रांसपोज इंटू ए एक्स इज इक्वल टू 0 एंड दिस इम्प्लाइज ए एक्स इज इक्वल टू 0 एंड दिस इम्प्लाइज एक्स इन कर्नल ऑफ ए ओके एंड दिस इम्प्लाइज कर्नल ऑफ ए ट्रांसपोज ए इज कंटेंड इन कर्नल ऑफ ए ओके. तो यहाँ से क्या आएगा, अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करूँ तो यहाँ से क्या बनेगा आपका. दिस इम्प्लाइज कर्नल ऑफ ए ट्रांसपोज ए इज इक्वल टू कर्नल ऑफ ए ओके ठीक है. तो यहाँ से आपका क्या आ गया कि रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए एंड रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज ए इज 1. दिस इम्प्लाइज रैंक ऑफ ए इज ऑल्सो 1 ओके. तो अब देखिए ऑप्शंस को आप कैसे रिजेक्ट करोगे. फर्स्ट ऑप्शन इज ए नील पोटेंट मैट्रिक्स. एस क्या है कि एक नील पोटेंट मैट्रिक्स कंटेन करेगी ठीक है, इसका मतलब ये है. अब एस के अंदर किस टाइप की मैट्रिक्स है कि जिसका रैंक जो है वो क्या होगा 1 ठीक है. तो क्या नील पोटेंट मैट्रिक्स उसके अंदर आएगी. अगर मैं यहाँ पे एक मैट्रिक्स लूँ ए इज इक्वल टू 0 1 0 0 0 0 0 0 0 ओके. तो यहाँ पे देखिए जो ये मैट्रिक्स है इसका रैंक कितना है 1 है ठीक है. और अगर मैं यहाँ पे स्क्वायर करूँ तो क्या आएगा 0. तो ये क्या है एक नील पोटेंट मैट्रिक्स है. और अगर मैं यहाँ ए ट्रांसपोज ए करती हूँ तो मेरे को ये मैट्रिक्स मिलेगी ओके. तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है. सेकंड ऑप्शन देखिए ए मैट्रिक्स ऑफ रैंक 1. क्या इसके अंदर इस टाइप की मैट्रिक्स आएंगी कि जिसका रैंक 1 हो. सारी इसी टाइप की मैट्रिक्स है कि जिसका रैंक 1 है, तो सेकंड ऑप्शन आपका ट्रू होगा. थर्ड ऑप्शन ए मैट्रिक्स ऑफ रैंक 2 विच इज़ इनकरेक्ट, क्योंकि मैंने यहाँ पे प्रूफ किया है कि जो आपके पास सेट एस है उसके अंदर किस टाइप की मैट्रिक्स होंगी. ऑल मैट्रिक्स इन विच रैंक ऑफ ए इज 1 ओके. एंड फोर्थ ऑप्शन इज ए नॉन जीरो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. क्या इसके अंदर नॉन जीरो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएंगी. वी नो दैट एवरी नॉन जीरो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक रियल मैट्रिक्स हैज़ रैंक एटलीस्ट 2 ठीक है. लेकिन यहाँ पे रैंक कितना है 1 है, क्योंकि जो स्क्यू सिमेट्रिक जो मैट्रिक्स होती है इसकी आइगन वैल्यूज जो होती है क्या होती है, या तो 0 होगी, आइदर 0 और प्योरली इमेजनरी. अगर इमेजनरी इसकी आइगन वैल्यू है
तो उसका कॉन्जुगेट भी आइगन वैल्यू होगी, ठीक है। तो जो एवरी नॉन जीरो स्क्यू सिमेट्रिक रियल मैट्रिक्स है उसका जो रैंक होगा एटलीस्ट 2 होगा, ओके। तो ऑप्शन 4 आपका इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन एन क्रॉस एन कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स ए सेटिस्फाइंग ए रेज टू द पावर के इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। द एन क्रॉस एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स वेयर के इज ए पॉजिटिव इंटीजर विच इज ग्रेटर देन 1। सपोज दैट 1 इज नॉट एन आइगन वैल्यू ऑफ ए। यहाँ पे देखिए इसने क्या कहा कि जो 1 है वो आइगन वैल्यू नहीं है ए की। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नेसेसरली ट्रू, ओके। सबसे पहले देखिए हमें क्या गिवन है, ए रेज टू द पावर के इज इक्वल टू आइडेंटिटी, ये हमें गिवन है। देन यहाँ से हम एक पोलिनोमियल फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। देखिए पोलिनोमियल यहाँ पे अपनी क्या होगी, हमें गिवन है ए रेज टू द पावर के इज इक्वल टू आइडेंटिटी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देन पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर के माइनस 1। अगर मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करूँ तो क्या आएगा, एक्स माइनस 1 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस अप टू एक्स रेज टू द पावर के माइनस 1। तो यहाँ से क्या आएगा, पी ऑफ ए इज इक्वल टू 0 बाई कैली हैमिल्टन थ्योरम। एंड देन दिस इम्प्लाइज मिनिमल पोलिनोमियल ऑफ ए डिवाइड्स पोलिनोमियल पी, ओके। दिस इम्प्लाइज, अब यहाँ पे देखिए क्या कहा है इसने कि जो 1 है इसकी आइगन वैल्यू नहीं है। तो यहाँ पे जो पी एक्स होगा वो क्या होगा कि जो मिनिमल पोलिनोमियल है वो किसको डिवाइड करेगी, 1 प्लस एक्स स्क्वेयर अप टू एक्स रेज टू द पावर के माइनस 1, बिकॉज 1 इज नॉट एन आइगन वैल्यू ऑफ ए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया, डिस्टिंक्ट के माइनस 1 रूट, ठीक है, डिस्टिंक्ट के माइनस 1 रूट, ठीक है। वी नो दैट बाय कैली हैमिल्टन थ्योरम मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ ए इज 0। दिस इम्प्लाइज आइडेंटिटी प्लस ए स्क्वेयर प्लस अप टू ए रेज टू द पावर के माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ओके। देन फर्स्ट ऑप्शन देखिए क्या है, ए इज डायगनलाइजेबल, डायगनलाइजेबल होगा क्योंकि इसके पास क्या है, के माइनस 1 डिस्टिंक्ट रूट है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका ट्रू होगा। सेकंड क्या है, ए प्लस ए स्क्वेयर प्लस अप टू ए रेज टू द पावर के माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ये आपका इनकरेक्ट हो गया क्योंकि आपके पास क्या आया है, आइडेंटिटी प्लस ए स्क्वेयर प्लस अप टू ए रेज टू द पावर के माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अगर मैं यहाँ से सिंप्लीफाई करूँ कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स को मैं वहाँ लेके जाऊँ तो क्या आएगा, प्लस ए रेज टू द पावर के माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस आइडेंटिटी, ये आपकी बनेंगी, ठीक है, पॉलिनोमियल इन ए। तो सेकंड ऑप्शन आपका इनकरेक्ट है। थर्ड क्या है, ट्रेस ऑफ ए प्लस ट्रेस ऑफ ए स्क्वेयर, ये देखिए अगर मैं यहाँ पे ट्रेस अप्लाई करती हूँ, ट्रेस अप्लाई अगर मैं करूँ ए प्लस ए स्क्वेयर प्लस अप टू ए रेज टू द पावर के माइनस 1 इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ माइनस आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। तो ट्रेस आपको पता है कि लीनियर होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अलग अलग इसको लिख सकती हूँ, ट्रेस ऑफ ए प्लस ट्रेस ऑफ ए स्क्वेयर प्लस अप टू ट्रेस ऑफ ए रेज टू द पावर के माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस एन, ठीक है। ट्रेस ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन क्या होगा, एन, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए थर्ड ऑप्शन आपका ट्रू है। फोर्थ ऑप्शन इज इनवर्स ऑफ ए प्लस, अब ये देखिए ये कैसे करोगे आप, ऑप्शन फोर्थ को कैसे करोगे, फोर्थ ऑप्शन इज इनवर्स ऑफ ए, अब यहाँ पे देखिए आपके पास क्या है, आपके पास है आइडेंटिटी प्लस ए स्क्वेयर प्लस अप टू ए रेज टू द पावर के माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो आइडेंटिटी को मैं क्या करती हूँ, राइट हैंड साइड लेके जाती हूँ तो क्या आएगा, इज इक्वल टू माइनस आइडेंटिटी, ओके। अब यहाँ पे क्या किया है इसने,
आपको पता है कि जो मैट ए है वो क्या है, इन्वर्टिबल है। ओके, तो अब देखिए मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करती हूँ, यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करती हूँ कि ए इनवर्स के माइनस वन से मैं यहाँ मल्टीप्लाई करती हूँ, ठीक है। ए इनवर्स, मैं इसको आपके पास मैट्रिक्स है आइडेंटिटी प्लस ए स्क्वायर प्लस अप टू ए रेज टू द पावर के माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। मैं यहाँ मल्टीप्लाई करती हूँ ए इनवर्स रेज टू द पावर के माइनस वन से, तो क्या आएगा, ए रेज टू द पावर के माइनस वन प्लस ए रेज टू द पावर माइनस के प्लस टू प्लस अप टू, यहाँ पे क्या आएगा, इससे जस्ट पहले वाली एंट्री आएगी ए इनवर्स एंड प्लस यहाँ पे क्या आएगा आइडेंटिटी, क्योंकि यहाँ पे जब मैं मल्टीप्लाई करूँगी तो क्या आएगा माइनस वन और ये क्या है प्लस के माइनस वन, तो ये कैंसिल आउट हो गया, क्या बचेगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इधर क्या आएगा ए रेज टू द पावर माइनस के माइनस वन प्लस ए रेज टू द पावर माइनस के प्लस टू प्लस अप टू ए माइनस टू प्लस ए माइनस वन इज इक्वल टू माइनस आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, और यहाँ पे अगर मैं रीअरेंज करूँ तो क्या आएगा माइनस टू प्लस अप टू ए रेज टू द पावर माइनस के माइनस वन इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, तो फोर्थ ऑप्शन भी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेट एस बी ए ट्रांसफॉर्मेशन आर एन टू आर एन बी गिवन बाई एस ऑफ वी इज इक्वल टू एल्फा वी फॉर ए फिक्स्ड एल्फा इन आर। एल्फा क्या है, फिक्स्ड है एंड नॉन जीरो है। लेट टी आर एन टू आर एन बी ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन सच दैट बी, आपके पास क्या है लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वैक्टर्स ऑफ टी। देन फर्स्ट ऑप्शन इज द मैट्रिक्स ऑफ टी विद रिस्पेक्ट टू बी इज डायगनल एंड सेकेंड ऑप्शन इज द मैट्रिक्स ऑफ टी माइनस एस विद रिस्पेक्ट टू बी इज डायगनल एंड थर्ड ऑप्शन इज द मैट्रिक्स ऑफ टी विद रिस्पेक्ट टू बी इज नॉट नेसेसरली डायगनल बट इज अपर ट्रैंगुलर एंड द लास्ट ऑप्शन इज द मैट्रिक्स ऑफ टी विद रिस्पेक्ट टू बी इज डायगनल बट द मैट्रिक्स ऑफ टी माइनस एस विद रिस्पेक्ट टू बी इज नॉट डायगनल। कैसे करोगे इसको, यहाँ पे देखिए वी हैव टू गिवन दैट टी एंड एस बी ट्रांसफॉर्मेशन आर एन टू आर एन। ओके, एंड एस ऑफ वी इज एल्फा वी वेयर एल्फा इन आर स्टार वेयर आर स्टार इज आर माइनस जीरो। ओके, अब जो बी है वो क्या है, सेट ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स। ओके, एंड ए लीनियर ऑपरेटर इज डायगनलाइजेबल इफ एंड ओनली देयर एग्जिस्ट सम बेसिस कंसिस्टिंग ओनली आइगन वेक्टर्स। आपके पास ये रिजल्ट है, ठीक है, रिजल्ट देखिए क्या है आपके पास, ए लीनियर ऑपरेटर इज डायगनलाइजेबल इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट सम बेसिस कंसिस्टिंग ओनली आइगन वैक्टर्स। अब यहाँ पे देखिए ये क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वैक्टर्स हैं, क्योंकि जो बेसिस है वो क्या यहाँ पे क्या कंसिस्ट करती है, ओनली लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वैक्टर्स। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट ऑप्शन है द मैट्रिक्स ऑफ टी विद रिस्पेक्ट टू बी इज डायगनल, तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा। एंड सेकेंड क्या है, द मैट्रिक्स ऑफ टी माइनस वन विद रिस्पेक्ट टू टी, क्या ये डायगनलाइजेबल होगा, टी माइनस एस फाइंड आउट कीजिए विद रिस्पेक्ट टू बेसिस बी, क्या होगा मैट्रिक्स, क्या आएगी विद रिस्पेक्ट टू बेसिस बी,
जब आप यहाँ पे फाइंड आउट करोगे, देखिए जब आप यहाँ अप्लाई करोगे तो क्या आएगा, टी माइनस एस ऑन वी वन इज इक्वल टू टी ऑफ वी वन माइनस एस वी वन, क्या आएगा यहाँ पे, आइगन वैल्यूज ऑफ टी इज लैम्डा वी वन माइनस अल्फा वी वन, अल्फा क्या है, फिक्स है, ओके, एंड नॉन जीरो है, तो यहाँ पे आएगा लैम्डा माइनस वन इंटू वी वन। तो जो यहाँ पे मैट्रिक्स आपकी बनेगी, मैट्रिक्स आपकी होगी लैम्डा वन माइनस वन एंड लैम्डा टू माइनस वन अप टू लैम्डा एन माइनस वन, ओके। तो ये भी क्या है, डायगनल मैट्रिक्स है, तो सेकंड ऑप्शन भी आपका ट्रू होगा। थर्ड ऑप्शन इज द मैट्रिक्स ऑफ टी विद रिस्पेक्ट टू बी इज नॉट नेसेसरली डायगनल बट इज अपर ट्रायंगुलर, ये आपका इनकरेक्ट है, एंड फोर्थ भी क्या है, इनकरेक्ट है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू अवर फर्स्ट एंड सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेट पी एन एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर एन फॉर एक्स बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर एंड पी इज इक्वल टू स्पैनिंग सेट ऑफ पी नॉट पी वन अप टू सो ऑन, देन फर्स्ट ऑप्शन इज पी इज द वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल रियल वैल्यूड कंटिन्यूस फंक्शंस ऑन आर, सेकेंड वन इज पी इज द सब स्पेस ऑफ ऑल रियल वैल्यूड कंटिन्यूस फंक्शंस ऑन आर, एंड द थर्ड वन इज सेट पी टू पी नॉट पी वन अप टू सो ऑन इज ए लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट इन द वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल कंटिन्यूस फंक्शंस ऑन आर, एंड द फोर्थ वन इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बिलोंग टू पी। तो कैसे करोगे इसको, कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, देखिए कैसे करोगे, यहाँ पे देखिए आपको क्या गिवन है, पी एन एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर एन, वे हैव एक्स इन सेट ऑफ रियल नंबर एंड पी इज स्पैनिंग सेट ऑफ, यहाँ पे क्या है, पी नोट, सॉरी क्या गिवन है आपको, ठीक है, ये आपको पी एन पी नोट P1, P2 अप टू, अब यहाँ पे देखिए जब आप यहाँ n की जगह नोट रखोगे तो क्या आएगा, वन, ये किस टाइप का सेट है, देखिए स्पैन P0 इज वन, P1 इज x, P2 इज x स्क्वेयर अप टू, ठीक है, ये आपके पास स्पैनिंग सेट है। एंड द फर्स्ट ऑप्शन क्या है आपका, P इज द वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल रियल वैल्यूड कंटिन्यूस फंक्शंस ऑन आर, इसका क्या मतलब है यहाँ पे कि हर एक कंटिन्यूस फंक्शंस को यहाँ से जनरेट कर सकते हैं, लेकिन अगर मैं यहाँ पे साइन एक्स लूँ, ठीक है, अगर मैं साइन एक्स कंसीडर करूँ तो साइन एक्स को तो हम नहीं जनरेट कर सकते, है ना, इफ़ वी कंसीडर साइन एक्स, ठीक है, साइन एक्स की जो सीरीज होगी एक्सपेंशन क्या होगी, एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई थ्री फैक्टोरियल प्लस एक्स रेज टू द पावर फाइव बाई फाइव फैक्टोरियल, ठीक है, लेकिन इसको तो हम जनरेट नहीं कर सकते, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका क्या होगा, इनकरेक्ट होगा। इसने कहा कि पी इज द वेक्टर स्पेस ऑफ होल रियल वैल्यूड कंटिन्यूस फंक्शन ऑन आर, इसका मतलब है कि हर एक कंटिन्यूस फंक्शन को हम इधर से जनरेट कर सकते हैं, है ना। अब सेकेंड ऑप्शन देखिए क्या है, पी इज़ द सबस्पेस ऑफ ऑल रियल वैल्यूड कंटिन्यूस फंक्शंस ऑन आर, एंड वी नो दैट दिस स्पैन इज ऑलवेज ए सबस्पेस, ओके, वी नो दैट दिस स्पैन इज ऑलवेज ए सबस्पेस, ठीक है, तो सेकेंड ऑप्शन आपका ट्रू होगा। थर्ड ऑप्शन देखिए क्या है कि सेट पी नॉट पी वन अप टू सो ऑन इज ए लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट इन द वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल कंटिन्यूस फंक्शन ऑन आर, हमें यहाँ पे लीनियरली इंडिपेंडेंट प्रूफ करना है, तो कैसे करोगे, देखिए लेट एस बी एनी एलिमेंट इन पी, एस जो है मैंने कोई भी एक फाइनाइट सेट यहाँ पे मैंने लिया है, ठीक है, तो क्या आएगा, एस कैन बी रिटन एज लीनियर कम्बिनेशन ऑफ आई गोइंग जीरो टू एन एल्फा आई एक्स रेज टू द पावर आई, ठीक है। अब जो एस है इसको मैंने क्या लिया है, एक फाइनाइट सेट लिया है,
तो इसके अंदर किस टाइप की एंट्रीज होंगी, पी नोट, पी वन अप टू पी एन, ओके। देन कैन बी रिटन एज द लीनियर कम्बिनेशन, मीन्स यानी कि अल्फा नोट एक्स वन, सॉरी अल्फा नोट पी नोट प्लस अल्फा वन पी वन प्लस अप टू अल्फा एन पी एन इज इक्वल टू जीरो, एंड पी नोट इज वन पी वन इज एक्स, देन क्या आएगा यहाँ से, अल्फा नोट वन प्लस अल्फा वन एक्स प्लस अप टू अल्फा एन एक्स रेज टू द पावर एन इज इक्वल टू जीरो, फोर ऑल एक्स इन आर, ओके। तो यहाँ से क्या आएगा, दिस इम्प्लाइज अल्फा नोट अल्फा वन अप टू अल्फा एन ऑल स्केलर्स आर जीरो, एवरी फाइनाइट सबसेट ऑफ पी इज ए लीनियरली इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से कोई भी एक फाइनाइट सेट लेके चलती हूँ, फाइनाइट सबसेट में अगर यहाँ पे कंसीडर करती हूँ, तो वो क्या होगा, हमेशा लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन आपका क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन देखिए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बिलोंग टू पी, ये आपका इनकरेक्ट है, क्योंकि जैसे मैंने साइन एक्स कंसीडर किया था तो उसको हम जनरेट नहीं कर सकते, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस यहाँ पे नहीं आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेट ए इज इक्वल टू, एक मैट्रिक्स हमें गिवन है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, बी ए थ्री क्रॉस थ्री मैट्रिक्स वेयर ए बी सी डी आर इंटीजर्स, देन वी मस्ट हैव फर्स्ट ऑप्शन इज इफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, देयर इज ए पॉलिनोमियल पी इन क्यू एक्स सच दैट पी ऑफ ए इज इनवर्स ऑफ ए, पी ऑफ ए इज इनवर्स ऑफ ए का क्या मतलब है कि पी ऑफ ए इंटू ए जब मैं करूँ तो क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यही है। एंड सेकेंड इज फोर इज पॉलिनोमियल क्यू इन जेड एक्स द मैट्रिक्स क्यू ए, कि जब मैं यहाँ पे क्यू अप्लाई करूँ इन एलिमेंट्स के ऊपर तो अपनी ये आनी चाहिए, है ना। एंड थर्ड इज ए रेज टू द पावर, इफ़ ए रेज टू द पावर एन इज जीरो, यानी कि अगर ए एक नीलपोटेंट मैट्रिक्स है फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर्स एन, देन ए रेज टू द पावर थ्री इज जीरो। एंड द फोर्थ वन इज ए कम्यूट्स विद एवरी मैट्रिक्स ऑफ द फॉर्म। नंबर वाइज हम करेंगे, फर्स्ट ऑप्शन देखिए क्या है, अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन को कंसिडर कर लूँ, इफ ए इज नॉन जीरो एलिमेंट देन पी ऑफ ए इज द इनवर्स ऑफ ए, ये हमें प्रूफ करना है ना। तो अब देखिए आपके पास जो मैट्रिक्स है इसकी जो करैक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल होगी क्या होगी, करैक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ ए इज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, तो जो इसकी डायगोनल एंट्रीज होंगी वही इसकी आइगन वैल्यूज होंगी, तो करैक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ ए इज एक्स माइनस ए रेज टू द पावर थ्री, ओके। तो देखिए करैक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ ए इज एक्स माइनस ए रेज टू द पावर थ्री, ओके। अब यहाँ पे क्या आएगा, इज इक्वल टू ए माइनस ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स रेज टू द पावर थ्री इज इक्वल टू जीरो। एंड नाउ जब इसको आप ओपन करोगे तो क्या आएगा, यहाँ से इसको ओपन कीजिए, दिस इम्प्लाइज ए क्यूब माइनस थ्री ए ए स्क्वेयर प्लस थ्री ए स्क्वेयर ए माइनस ए क्यूब आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज इक्वल टू जीरो। एंड आई नो दैट ए इज इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, ओके, आई नो दैट ए इज़ इन्वर्टिबल मैट्रिक्स बिकॉज ए इज़ एन नॉन जीरो एंड जो आइगन वैल्यूज़ है क्या है, सारी की सारी ए हैं। तो जो डिटर्मिनेंट जब हम फाइंड आउट करते तो क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ ऑल आइगन वैल्यूज़ एंड ऑल आइगन वैल्यूज आर नॉन जीरो, दिस इम्प्लाइज ए इज़ एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, ओके। तो यहाँ से क्या आएगा, ए स्क्वेयर माइनस थ्री ए ए प्लस थ्री ए स्क्वेयर, ओके, आइडेंटिटी इंटू ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। अब यहाँ से ए क्यूब भी है, ठीक है। अब यहाँ से अगर मैं ए क्यूब से मल्टीप्लाई करूँ, क्योंकि ए आपका क्या है, नॉन जीरो है, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, माइनस थ्री ए बाई ए स्क्वेयर प्लस थ्री आइडेंटिटी बाई ए इंटू ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी,
ओके। अब यहाँ पे जो पी एक्स आपकी जो है यानी कि पी ऑफ ए जो है आपकी क्या है, ए स्क्वेयर बाय ए क्यूब माइनस थ्री ए बाय ए स्क्वेयर प्लस थ्री आई बाय ए, ठीक है। तो पी ऑफ ए इज़ एन इनवर्स ऑफ ए, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका ट्रू होगा। सेकंड ऑप्शन इज फोर इज पॉलिनोमियल क्यू इन जेड एक्स द मैट्रिक्स। अब यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे एक न्यू पेज ले लेती हूँ। कैसे करोगे, सेकंड ऑप्शन से क्यू एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर इन जेड एक्स, ठीक है। देन क्यू ऑफ ए इज इक्वल टू ए स्क्वेयर, ठीक है। तो क्यू ऑफ ए देखिए क्या है, क्यू ऑफ ए क्या है, अगर मैं क्यू ऑफ ए की बात करूँ तो क्या है क्यू ऑफ ए, क्या क्यू ऑफ ए ए स्क्वेयर के इक्वल आएगा। यहाँ पे देखिए क्यू ऑफ ए इज इक्वल टू क्यू ऑफ ए इंटू क्यू ऑफ बी, ठीक है, ये है। तो यहाँ पे देखिए जो मैट्रिक्स है आपकी ए स्क्वेयर ए स्क्वेयर ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर डी स्क्वेयर जीरो जीरो जीरो, ये आपका क्यू ऑफ ए है, ठीक है। अब ए स्क्वेयर को ये आपकी क्या है, लेफ्ट हैंड साइड। अब आप कीजिए राइट हैंड साइड को हैंडल, अगर ये दोनों इक्वल आई तो ठीक है। राइट हैंड साइड आपकी क्या है, ए स्क्वेयर हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। ए देखिए क्या है, ए ए ए बी सी डी जीरो जीरो जीरो, ओके। एंड ए ए ए जीरो 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 बी सी डी, मल्टीप्लाई कीजिए क्या आएगा, फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम ए स्क्वेयर, फर्स्ट रो इंटू सेकेंड कॉलम क्या आएगा, क्या आएगा, फर्स्ट रो इंटू सेकेंड कॉलम ए बी प्लस बी ए एंड जीरो, ठीक है। तो ये क्या आ गया, टू बी ए विच इज़ नॉट इक्वल टू बी स्क्वेयर। तो यहीं से आपकी यही एंट्री इक्वल नहीं है, ठीक है। तो ये दोनों इक्वल नहीं आएंगे, क्यू ऑफ ए इज़ नॉट इक्वल टू ए स्क्वेयर, तो सेकंड ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन इज इफ़ ए रेज टू द पावर एन इज इक्वल टू जीरो फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर एंड देन ए क्यूब इज इक्वल टू जीरो, इफ ए मैट्रिक्स इज नील पोटेंट देन द मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ नील पोटेंट मैट्रिक्स इज ऑफ ऑर्डर यूअर मैट्रिक्स, ठीक है। तो जो ये मैट्रिक्स आपकी है थ्री क्रॉस थ्री की है, तो इसका जो मैक्सिमम नील पोटेंस इंडेक्स होगा क्या होगा, थ्री होगा। तो ए रेज टू द पावर थ्री आपकी जीरो आएगी, ओके। तो थर्ड ऑप्शन आपका ट्रू है, मैं ये लिख देती हूँ कि इसके लिए क्या मैंने अप्लाई किया है। देखिए इफ़ ए मैट्रिक्स इज नील पोटेंट, इफ़ ए मैट्रिक्स इज नील पोटेंट देन द मैक्सिमम देन द मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ नील पोटेंट मैट्रिक्स इज ऑर्डर ऑफ यूअर मैट्रिक्स, ठीक है। ये रिजल्ट मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है। अब फोर्थ ऑप्शन देखिए क्या है, फोर्थ ऑप्शन इज ए कम्यूट्स विद एवरी मैट्रिक्स ऑफ द फॉर्म, क्या आपकी जो मैट्रिक्स ए है वो इसके साथ कम्यूट करेगी, कम्यूट करेगी। देखिए हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है कि ए ए ए बी सी डी ये आपकी मैट्रिक्स है, ठीक है। कम्यूट किसके साथ करवानी है हमें, ए डैस ए डैस ए डैस जीरो 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 सी डैस जीरो, ठीक है। किसके इक्वल आनी चाहिए, ए डैस जीरो 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 ए डैस जीरो सी डैस जीरो ए डैस इंटू ए बी
सी जीरो ए डी जीरो जीरो ए, ये दोनों इक्वल होनी चाहिए। मैं इसको ए नाम दे देती हूँ, इसको बी, एंड ये क्या होगी बी ए, यानी कि ए बी इज इक्वल टू बी ए, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट इसको सोल्व करेंगे हम, देखिए क्या आएगी मैट्रिक्स आपकी। फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम ए ए डैस, फर्स्ट रो इंटू सेकेंड कॉलम आपका क्या आएगा ए डैस बी, एंड सॉरी यहाँ पे क्या आएगा फर्स्ट रो इंटू सेकेंड कॉलम बी ए डैस, फर्स्ट रो इंटू थर्ड कॉलम क्या आएगा ए सी डैस एंड प्लस सी ए डैस। अब देखिए सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम जीरो, एंड सेकेंड रो सेकेंड कॉलम ए ए डैस, सेकेंड रो थर्ड कॉलम क्या आएगा डी, एंड थर्ड रो फर्स्ट कॉलम इज़ ज़ीरो, थर्ड रो सेकेंड कॉलम ज़ीरो, एंड थर्ड रो थर्ड कॉलम क्या आएगा ए ए डैस। ऐसे ही अब इधर देखिए ये मैट्रिक्स आपकी क्या आएगी ए डैस ए, एंड फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम क्या होगा ए डैस बी, एंड फर्स्ट रो थर्ड कॉलम ए डैस सी प्लस सी डैस ए। ओके इधर होगा जीरो ए डैस ए डी जीरो जीरो ए डैस ए। तो यहाँ पे देखिए कम्यूट करते हैं, ठीक है, तो ऑप्शन फोर्थ आपका क्या होगा करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर सब स्पेसिस ऑफ वेक्टर स्पेस आर थ्री। अब सब स्पेस की डेफिनेशन क्या है कि अगर मैं ये कंडीशन सेटिस्फाई करवा दूं कि अल्फ़ा एक्स बीटा वाई कहाँ पे जाए सेट एस में, ये मान लिया मैंने एस वन है एस टू एस थ्री एंड एस फोर, ठीक है। अब फर्स्ट ऑप्शन को हम चेक करते हैं कि क्या एस वन सब स्पेस होगा। लेट अगर मैं यहाँ पे कंसीडर करूँ लेट एक्स एंड वाई इन एस वन, ठीक है, अगर मैंने एक्स और वाई एस वन में से लिया है तो ये एक्स और वाई कहाँ पे है आर थ्री, ठीक है, आर थ्री के एलिमेंट्स हैं एक्स और वाई, तो क्या कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई होगी कि अगर मैंने एक्स और वाई यहाँ से लिया है तो क्या कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। देखिए दिस इम्प्लाइज एक्स एंड वाई अगर एस वन में से है देन एक्स वन प्लस वाई वन इज इक्वल टू, सॉरी तो यहाँ पे देखिए अगर एक्स वाई इसमें से है यानी कि एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एंड वाई वन वाई टू वाई थ्री इन एस वन, दिस इम्प्लाइज एक्स वन प्लस एक्स टू इज इक्वल टू ज़ीरो एंड वाई वन प्लस वाई टू इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। हमें प्रूफ क्या करना है यहाँ पे कि अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा वाई भी एस में जाएगा या नहीं, ठीक है। तो देखिए अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा वाई क्या होगा, अल्फ़ा एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री प्लस बीटा वाई वन वाई टू वाई थ्री। ओके तो यहाँ से क्या आएगा, क्या आएगा यहाँ से कि अल्फ़ा एक्स वन इंटू एक्स टू एक्स थ्री, अगर एस में ये जाएगा तो इसका मतलब क्या है कि अल्फ़ा एक्स वन प्लस एक्स टू, ओके यहाँ पे देखिए अल्फ़ा एक्स वन प्लस बीटा वाई वन अल्फ़ा एक्स टू प्लस बीटा वाई टू अल्फ़ा एक्स थ्री प्लस बीटा वाई थ्री, अगर ये एस के अंदर जाएगा तो इसका मतलब क्या है कि अल्फ़ा एक्स वन प्लस बीटा वाई वन प्लस अल्फ़ा एक्स टू प्लस बीटा वाई टू जब मैं करूँ तो एक इसके इक्वल आए ज़ीरो के इक्वल। अब अल्फ़ा कॉमन ले लीजिए अल्फ़ा एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस बीटा वाई वन प्लस वाई टू, अब यहाँ पे देखिए एक्स वन प्लस एक्स टू क्या है ज़ीरो के इक्वल है अल्फ़ा इंटू ज़ीरो प्लस बीटा इंटू ज़ीरो, तो ये किसके इक्वल आ गया ज़ीरो के इक्वल आ गया, ठीक है। दिस इम्प्लाइज अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा वाई इन सेट एस वन, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका ट्रू है, ठीक है।
ये क्या होगा, सब स्पेस होगा। ओके तो सेकंड ऑप्शन देखिए, सेकंड ऑप्शन, क्या सेकंड ऑप्शन ट्रू होगा, चेक करिए, ऐसे ही चेक कीजिए। अगर मैं यहीं पे ले लेती हूँ कि x माइनस वाई इज़ इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि एक्स वन माइनस वाई एक्स टू ज़ीरो होना चाहिए, वाई वन माइनस वाई टू ज़ीरो होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कंडीशन आएगी, ठीक है, यहाँ पे क्या कंडीशन होगी कि अगर ये एस टू के अंदर कंटेन करेगा, यहाँ पे ये एस टू ठीक है, तो अल्फा एक्स वन प्लस बीटा वाई वन माइनस ये, ठीक है, तो ये भी आपका क्या होगा, सब स्पेस होगा। थर्ड ऑप्शन देखिए क्या है, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू वन, इसको कीजिए, थर्ड ऑप्शन को कैसे करोगी कि अगर x और y एस थ्री से मैंने लिए तो क्या आएगा, x1 वन प्लस एक्स टू इज इक्वल टू वन एंड y1 वन प्लस वाई टू इज इक्वल टू वन। एंड हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ हमें क्या करना है, प्रूव दैट अल्फा x प्लस बीटा y इज इक्वल टू, अगर ये एस के अंदर है तो हमें क्या प्रूफ करना है, देखिए अल्फा एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस बीटा वाई वन प्लस वाई टू इज इक्वल टू वन, ये हमें प्रूफ करना है ना। तो देखिए कैसे करोगे, अल्फा एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री प्लस बीटा वाई वन वाई टू वाई थ्री, अगर ये एस के अंदर है, ठीक है, अगर ये एस के अंदर है तो क्या आएगा यहाँ से कि अल्फा एक्स वन प्लस बीटा वाई वन अल्फा एक्स टू प्लस बीटा वाई टू अल्फा एक्स थ्री प्लस बीटा वाई थ्री, देन अगर ये एस थ्री के अंदर है तो क्या कंडीशन है कि अल्फा एक्स वन प्लस बीटा वाई वन प्लस अल्फा एक्स टू प्लस बीटा वाई टू इज इक्वल टू वन आना चाहिए, है ना। लेकिन यहाँ से अगर मैं एक्स अल्फा कॉमन लूँ और बीटा कॉमन लूँ तो यहाँ से क्या आ गया, अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, तो एस थ्री आपका सबस्पेस नहीं बनेगा, ऐसे ही एस फोर भी नहीं बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कंसीडर नॉन जीरो वेक्टर स्पेस वी वन वी टू वी थ्री वी फोर एंड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फाई वन वी वन टू वी टू एंड फाई टू वी टू टू वी थ्री एंड फाई थ्री इज़ वी थ्री टू वी फोर सच दैट कर्नल ऑफ फाई वन इज़ ज़ीरो एंड रेंज ऑफ फाई वन इज़ इक्वल टू कर्नल ऑफ फाई टू एंड रेंज ऑफ फाई टू इज़ इक्वल टू कर्नल ऑफ फाई थ्री एंड रेंज ऑफ फाई थ्री इज़ इक्वल टू वी फोर। तो देखिए कैसे प्रूफ करोगे इसको, एक एक चीज़ को लेके चलना है, क्वेश्चन ईजी है। देखिए कैसे करोगे इस क्वेश्चन को आप, आपके पास है फाई वन इज़ वी वन टू वी टू एंड फाई टू इज़ वी टू टू वी थ्री एंड फाई थ्री इज़ वी थ्री टू वी फोर। ओके देन बाय रैंक नलिटी थ्योरम इज़ रैंक ऑफ फाई वन प्लस नलिटी ऑफ फाई वन इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ वी वन। ओके देन दिस इम्प्लाइज रैंक ऑफ फाई वन इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ वी वन बिकॉज कर्नल ऑफ
51 इज इक्वल टू 0, ओके, एंड रैंक ऑफ 52 प्लस नलिटी ऑफ 52 इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ v2 बाई रैंक नलिटी थ्योरम, एंड वी हैव टू गिवन दैट रेंज ऑफ 51 इज इक्वल टू कर्नल ऑफ 52, एंड दिस इम्प्लाइज रैंक ऑफ 51 इज इक्वल टू नलिटी ऑफ 52, एंड दिस इम्प्लाइज नलिटी ऑफ 52 इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ v1, ओके, एंड दिस इम्प्लाइज रैंक ऑफ 52 प्लस डायमेंशन ऑफ v1 इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ v2, ओके, एंड नाउ बाय रैंक नलिटी थ्योरम रैंक ऑफ 53 प्लस नलिटी ऑफ 53 इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ v3 इज इक्वल टू, एंड नाउ वी हैव टू गिवन दैट रेंज ऑफ 52 इज इक्वल टू कर्नल ऑफ 53, दिस इम्प्लाइज नलिटी ऑफ 53 प्लस डायमेंशन ऑफ v1 इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ v2, एंड दिस इम्प्लाइज रैंक ऑफ 53 प्लस डायमेंशन ऑफ v2 माइनस डायमेंशन ऑफ v1 इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ v3, एंड गिवन दैट वी हैव टू गिवन दैट रेंज ऑफ 53 इज इक्वल टू v4, दिस इम्प्लाइज 53 इज ऑन टू, ओके, एंड दिस इम्प्लाइज डायमेंशन ऑफ v4 प्लस डायमेंशन ऑफ v2 माइनस डायमेंशन ऑफ v1 इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ v3. फर्स्ट ऑप्शन देखिए क्या है कि समेशन ऑफ i1 to 4 माइनस 1 raised to the power i डायमेंशन ऑफ vi. इसको ओपन करोगे तो क्या आएगा फर्स्ट ऑप्शन को कि माइनस ऑफ डायमेंशन ऑफ v1 प्लस डायमेंशन ऑफ v2 माइनस डायमेंशन ऑफ v3 प्लस डायमेंशन ऑफ v4 इज इक्वल टू 0, तो ये करेक्ट है. एंड सेकंड ऑप्शन क्या है, माइनस ऑफ 1 raised to the power i डायमेंशन ऑफ vi इज ग्रेटर देन 0. जब इसको ओपन करोगे तो क्या आएगा, डायमेंशन ऑफ v2 माइनस डायमेंशन ऑफ v3 प्लस डायमेंशन ऑफ v4 इज ग्रेटर देन 0 कर सकते हैं, क्योंकि जो v1 है वो क्या है, नॉन जीरो सबस्पेस है, डायमेंशन ऑफ v1 इज नॉन जीरो, तो सेकंड ऑप्शन आपका ट्रू होगा, थर्ड ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा, एंड फोर्थ भी, ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेट ए बी एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स 4x4 रियल मैट्रिक्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू. फर्स्ट इज रैंक ऑफ ए इज 4, एंड सेकेंड इज 4 एवरी वैक्टर बी इन R4, AX इज इक्वल टू बी हैज एग्जैक्टली 1 सोल्यूशन, एंड थर्ड इज डायमेंशन ऑफ नल स्पेस ऑफ ए इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 4, एंड फोर्थ इज 0 इज एन आइगन वैल्यू ऑफ ए. कैसे करोगे इस क्वेश्चन को देखिए कैसे करोगे. ए आपके पास क्या है, एक 4x4 इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, ठीक है. सबसे पहले तो ये चीज़ देखिए, अगर इन्वर्टिबल है तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है. इसने कहा कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, अगर वो इन्वर्टिबल है तो उसका रैंक कितना होगा, 4 होगा, तो
तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, रैंक ऑफ ए इज़ 4, तो ये सही है। हमें क्या बताना कि कौन सा सही नहीं है, तो फर्स्ट ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। सेकंड क्या है, फोर एवरी वेक्टर स्पेस बी इन आर फोर ए एक्स इज इक्वल टू बी हैज़ एग्जैक्टली वन सोल्यूशन। ये भी हमें पता है कि ए एक्स इज इक्वल टू बी हैज़ ए सोल्यूशन इफ एंड ओनली इफ रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए एगमेंटेड बी मैट्रिक्स, है ना। अब इनवर्स अगर एग्जिस्ट करता है तो देखिए ए एक्स इज इक्वल टू बी, तो आपके पास एक सॉल्यूशन होगा एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, क्योंकि ए आपके पास क्या है, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, ठीक है, तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। तो सेकंड भी आपका इनकरेक्ट हो गया। थर्ड क्या है कि डायमेंशन ऑफ नल स्पेस ऑफ ए इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू वन, इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू वन। थर्ड ऑप्शन देखिए, आपके पास जो ट्रांसफॉर्मेशन है क्या है, आर रेज टू द पावर फोर टू आर रेज टू द पावर फोर, ओके, देन बाय रैंक नलिटी थ्योरम इज रैंक ऑफ ए प्लस नलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू फोर एंड रैंक ऑफ ए इज फोर प्लस नलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू फोर, दिस इम्प्लाइज जो नलिटी ऑफ ए है क्या है, जीरो, ओके। तो थर्ड ऑप्शन क्या है कि डायमेंशन ऑफ नल स्पेस ऑफ ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन, ये इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि डायमेंशन क्या है यहाँ पे, जीरो, ठीक है, ये सही है, यानी जीरो इज एन आइगन वैल्यू ऑफ ए। ये भी सही नहीं है क्योंकि अगर आइगन वैल्यू जीरो हो गई तो ये कभी भी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स नहीं बनेगी, तो ये भी आपका सही है, ओके। लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, लास्ट क्वेश्चन इज लेट यू बी ए रियल एन क्रॉस वन वैक्टर सेटिस्फाइंग यू डैस यू इज इक्वल टू वन, वेयर यू डैस इज द ट्रांसपोज ऑफ यू एंड डिफाइन ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी माइनस टू यू यू डैस इज एन पोलोमियल ऑफ यू यू ट्रांसपोज वेयर आई इज द nth ऑर्डर आइडेंटिटी मैट्रिक्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। कैसे करोगे इसको देखिए, आपके पास क्या है, एक मैट्रिक्स ए आई माइनस टू यू यू ट्रांसपोज, ओके, एंड यू इज एन वेक्टर यू वन यू टू अप टू यू एन, देन मैं यहाँ पे यू यू ट्रांसपोज को मैं बी नाम दे देती हूँ, तो यू यू ट्रांसपोज आपकी किस टाइप की मैट्रिक्स होगी, जब आप ओपन करोगे यू वन स्क्वेयर यू टू स्क्वेयर अप टू यू एन स्क्वेयर, ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा यू वन टू अप टू यू वन एन, ओके, एंड यू ट्रांसपोज यू क्या आएगा, यू ट्रांसपोज यू इज़ यू वन स्क्वेयर प्लस यू टू स्क्वेयर प्लस अप टू यू एन स्क्वेयर, एंड वी नो दैट नॉर्म ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वेयर रूट ऑफ इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स विद एक्स एंड इज एन स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट, एक्स ट्रांसपोज x can be written as norm of x square is equal to x transpose x is an standard inner product, okay, and then rank of b, what about rank of b, rank of b is less than equal to minimum of rank of u and rank of u transpose, and we know that rank of u is 1 and rank of u transpose is 1, then minimum of 1 1, then rank of b is less than equal to 1 and rank of b is we know that is greater than equal to 1, this implies rank of b is equal to 1, okay, and the correct now rank of b is 1, this implies nullity of b is n minus 1 by rank nullity theorem, okay, एंड डायमेंशन ऑफ कर्नल ऑफ बी इज इक्वल टू, यहाँ से देखिए क्या आएगा, डायमेंशन ऑफ कर्नल ऑफ बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर corresponding to eigenvalue 0 is equal to geometric multiplicity corresponding to eigenvalue 0 क्या होगी,
एंड वी नो दैट ज्योमेट्रिक मल्टीप्लीसिटी कोरोस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू जीरो इज लेस देन इक्वल टू अलजेब्रिक मल्टीप्लीसिटी कोरोस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू जीरो एंड इज एन माइनस वन देन करेक्टरिस्टिक पोलोमियल ऑफ बी इज एक्स रेज टू द पावर एन माइनस वन इंटू एक्स माइनस वन ओके इज द करेक्टरिस्टिक पोलोमियल बिकॉज ज्योमेट्रिक मल्टीप्लीसिटी कोरोस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू जीरो इज एन माइनस वन देन द करेक्टरिस्टिक पोलोमियल ऑफ बी इज एक्स रेज टू द पावर एन माइनस वन इंटू एक्स माइनस वन एंड मैट्रिक्स ए इज मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी माइनस टू यू यू ट्रांसपोज द आइगन वैल्यू ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज वन 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 एंड द आइगन वैल्यूज ऑफ टू यू यू ट्रांसपोज इज जीरो 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 अप टू लास्ट आइगन वैल्यू इज टू एंड द आइगन वैल्यूज ऑफ ए इज वन 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 अप टू वन एंड माइनस वन एंड ऑल आइगन वैल्यूज आर नॉन जीरो देन द फर्स्ट ऑप्शन इज ए इज सिंगुलर incorrect because all eigenvalues are non-zero this implies determinant of A is non-zero and the matrix is non-singular and second option is A square is equal to A and if A square is equal to A then the polynomial is x square minus x and the minimal polynomial of A divides the polynomial Px and minimal polynomial of a is divides x into x minus 1 the possibility अब यहाँ पर देखिए कि इसकी जो आइगन वैल्यूज होंगी 0 एंड 1 और जो आइगन वैल्यूज है अपनी क्या है सारी की सारी नॉन जीरो है तो यहाँ से ये इनकरेक्ट हो जाएगा थर्ड ऑप्शन इज ट्रेस ऑफ a इज n माइनस 2 ट्रेस क्या होगा n माइनस 2 बिकॉज n माइनस 1 आपकी ठीक है ट्रेस क्या होगा एन माइनस टू ओके आइगन वैल्यूज आपकी एन माइनस वन एंड एक आपकी क्या है नेगेटिव है तो एन माइनस टू ठीक है ओके तो ट्रेस आपका क्या होगा एन माइनस टू एंड द फोर्थ इज ए स्क्वेयर इज इक्वल टू आइडेंटिटी ये भी सही है आपका करके देख लेना ए आपकी क्या है identity minus 2 u u transpose into identity minus 2 u u transpose okay जब इसको ओपन करोगे तो क्या आएगा I square यहाँ से क्या आएगा minus 2 u u transpose minus 2 u u transpose और इधर से क्या आएगा plus 4 u u transpose तो ये cancel हो जाएगा ये क्या आएगी identity okay तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को ऑन कर लेना